हेलो बच्चा भार्टी वेलकम बैक टू द अनदर सेशन और आज की क्लास में हम चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएशन अब ये जो वेरिएशन चैप्टर है ये आपके सिलेबस के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन जो वेरिएशन थर्ड वाला चैप्टर होता है ये उसकी बात करता है तो ये बेसिकली प्रपोर्शन चैप्टर का ही एक पार्ट है उसके जैसा नहीं है पर काइंड ऑफ आपको चीजें देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत मिलती जुलती थोड़ी बहुत दस आप बोल सकते हो इवन एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि प्रोपोर्शन चैप्टर में भी और वेरिएशन चैप्टर में भी है प्रोपोर्शन चैप्टर में प्रोपोर्शन के तरीके से सॉल्व होता है और वेरिएशन वेरिएशन चैप्टर में के तरीके से सॉल्व होता है तो चलो देखो सबसे पहले वॉट डू यू मीन बाय वेरिएशन बास वेरियंस तो हम लोग पढ़ेंगे है? आपका में ठीक है वेरिएशन का मतलब क्या होता है तो समझो कोई दो चीजें होंगी जिनका हम आपस में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करेंगे क्या डिस्क्राइब करेंगे एक रिलेशनशिप बताएंगे दो चीजों के बीच में हम एक रिलेशनशिप बताएंगे क्या रिलेशनशिप भैया वही तो बताना है वही तो बताना है क्या रिलेशनशिप कि ये ए और बी अगर दो चीजें मैं आपको दे दूं तो बताओ इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है अब भैया ये रिलेशनशिप कितने प्रकार के हो सकते हैं कायदे से तो दो ही प्रकार के हो सकते हैं एक हो सकता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक हो सकता है इनवर्स रिलेशनशिप दो ही हो सकते हैं कायदे से एक हो सकता है डायरेक्ट एक होता है इनवर्स अब समझो किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज के बारे में बात कर रहा हूं यानी कि अगर ये जो ए और बी आपस में रिलेटेड है सारे बच्चे मेरे को बताओ सारे बच्चे मेरे को बताओ फटाफट से क्या आपके साथ ऐसा होता है बच्चों कि घर में किसी की तबियत खराब हो जाए तो घर में माहौल थोड़ा सा लो लो हो जाता है इट्स नॉट नेगेटिव पर ऐसा होता है क्या कि घर में अगर किसी एक फैमिली मेंबर की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो उसकी वजह से घर में थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा स्लो लगने लगता है थोड़ा सा लो लगने लगता है कि हाँ यार किसी की तबीयत खराब है होता है ना यस yes. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि तुम तुम्हारे घर वालों के साथ में डायरेक्टली रिलेटेड हो थोड़ा फटे से बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ कि तुम तुम्हारे घर वालों के साथ में डायरेक्टली रिलेटेड हो एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम तुम में से कुछ बच्चे रिलेशनशिप में भी होगे है ना अब क्या करें भैया हमारी उम्र ही ऐसी है रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं तो तुम आ गए होगे ठीक है कोई बात नहीं आ गए होगे ठीक है अभी चंचल मन है अभी थोड़ा सा ये सब चीजों में ध्यान भटक जाता है लोगों का अब सोचो अब सोचो जो रिलेशनशिप में नहीं है वो अपने फ्रेंड्स को देख लो ठीक है ओके जो रिलेशनशिप में नहीं होंगे अपने फ्रेंड्स को देख लो जो रिलेशनशिप में क्या तुमने देखा है कि तुम्हारा फ्रेंड या फिर फ्रेंड मतलब बॉय और गर्ल वॉट ठीक है अगर उस पर्सन की अपने पार्टनर से लड़ाई हो जाए या तुम्हारी जिन लोग रिलेशनशिप में हो तुम्हारी अपने पार्टनर से लड़ाई हो जाए कोई मन मुटाव हो जाए कोई पॉइंट ऑफ क्लैश हो जाए तो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता खाना खाने का मन नहीं करता बाहर जाने का मन नहीं करता बेड से उठने का मन नहीं करता ऐसा लगता है सोते रहो बैठ के फटाफट से बताओ है ना होता है कि नहीं होता है बताओ कि मतलब हमारा ऐसा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है हमारे फ्रेंड से भी हमारी लड़ाई हो जाए तो भी हम चैन से नहीं बैठ पाते ठीक है हमारी फ्रेंड से भी अगर हमारी लड़ाई हो जाए तो भी हमको चैन नहीं आता है हमारा खाना पीना सब बंद हो जाता है यस तो ये होता है बच्चों रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप का मतलब होता है जब एक चीज को कुछ होने से दूसरी चीज को उससे फर्क पड़ रहा है फटाफट से बताओ यस और नो यहां पर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल को कुछ होने के कारण दूसरे वेरिएबल को फर्क पड़ रहा है इसको कुछ हो इसको कुछ करोगे तो इसको भी फर्क पड़ेगा इसको कुछ करोगे तो इसको फर्क पड़ेगा ओके okay, भव्या भव्या बोल रही यस यस सर दैट्स सिंगल लाइफ इज बेस्ट बट अभी मेरा मुद्दा क्या समझाने का फटाफट से बताओ एक को कुछ करोगे तो दूसरे को फर्क पड़ेगा दूसरा कुछ दूसरे को कुछ होगा तो पहले को फर्क पड़ेगा दैट इज वॉट रिलेशनशिप हियर हियर इन दिस केस ठीक है अब यही रिलेशनशिप दो टाइप का हो सकता है एक हो सकता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक होता है इनवर्स सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से हम इससे पहले अभी तो फाउंडेशन में इसके पहले थे हम स्कूल में बोलो हाँ सारे बच्चे बताओ अभी हम फाउंडेशन में है, इसके पहले हम थे स्कूल में है ना यस बिल्कुल थे भैया अब बताओ अब बताओ फटाफट से बताओ तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे यानी कि सिंपल शब्दों में तुम्हारे स्कूल में मार्क्स बढ़ते हैं तो हैप्पीनेस के साथ क्या होता है फटाफट फड़ से बताओ अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ गए तो तुम्हारे हैप्पीनेस को इससे क्या फर्क पड़ता है सारे बच्चे बताएंगे अगर स्कूल में मार्क्स बढ़ गए तो हैप्पीनेस को क्या होता है? भी बढ़ जाती है, भी बढ़ जाती है बोलो हाँ हाँ और वैसे ही अगर स्कूल में स्कूल में अगर आपके कॉम्पिटिटर के ओ माई गॉड कॉम्पिटिटर के मार्क्स अगर बढ़ गए सारे बच्चे बताओ हैप्पीनेस को इससे क्या फर्क पड़ेगा से बताओ अगर के मार्क्स बढ़ गए तो आई थिंक तुमको, तो, तुमको डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब समझ में आया होगा यहां पर आई थिंक तुमको डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यहां पर समझ में आया होगा वॉट डू मीन रिलेशनशिप जहां पर दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड देखो पहला रिक्वायरमेंट है देयर इज अ रिलेशनशिप पहला रिक्वायरमेंट क्या है देयर शुड बी अ रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप दोनों का आपस में रिलेशन होना चाहिए दो चीज का आपस में रिलेशन होना चाहिए रिलेशन का मतलब एक चीज को चेंज करोगे तो दूसरे को फर्क पड़ना चाहिए दूसरे को चेंज करोगे तो पहले को फर्क पड़ना चाहिए तो पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि देयर शुड बी अ रिलेशनशिप ओके अब अगर ये रिलेशन है तो ये कौन सा रिलेशन है क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी या फिर एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी तो ये हुआ डायरेक्ट मतलब दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में जाएंगे इसका उल्टा बच्चों अगर हमारा मार्क्स कम होता तो हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले एक ही डायरेक्शन में भागते डायरेक्शन सेम होता है इंटेंसिटी क्या होगी वो नहीं पता वो तो के इज कॉन्स्टेंट वो डिसाइड करेगा पर डायरेक्शन इज सेम हैप्पीनेस मार्क्स बढ़ेगा तो हैप्पीनेस बढ़ेगी मार्क्स कम होगा तो हैप्पीनेस कम होगी उसका उल्टा उसका उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा रिलेशनशिप उल्टा रिलेशनशिप मतलब कॉम्पिटिटर के मार्क्स बढ़ेंगे तो मेरी हैप्पीनेस कम हो जाएगी और कॉम्पिटिटर के मार्क्स कम होंगे तो मेरी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी है ना नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है ये तो सिंपल सी बात है ये हमारा कॉम्पिटिटर हम चाहेंगे उसके कम मार्क्स है हमारे ज्यादा मार्क्स है सिंपल सारे बच्चे बताओ रिलेशनशिप और यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हमें समझ में आया फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में क्या हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब समझ में आया यस yes. अब रिलेशनशिप हम समझ गए अब एक स्टेप आगे आते हैं और वेरिएशन इस रिलेशनशिप में क्या रोल प्ले करता है वो समझते हैं वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों की इंटेंसिटी बताओ मैंने क्या बोला सुनो सुनो मैंने क्या बोला पहले समझो इस चैप्टर का यूज क्या है इस चैप्टर का यूज क्या है सुनो मैंने आपको यह तो बता दिया कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आप खुश हो जाओगे आपके मार्क्स कम होंगे तो आप दुखी हो जाओगे आपके कॉम्पिटेटर के मार्क्स बढ़ेंगे तो आप खुश हो जाओगे सॉरी आपके कॉम्पिटेटर के मार्क्स बढ़ेंगे आप दुखी हो जाओगे आपके कॉम्पिटेटर के मार्क्स कम होंगे आप खुश हो जाओगे मैंने पूछा ये तो समझ में आ गया खुश होंगे कि दुख होंगे मैंने पूछा कितने खुश होंगे और कितने दुखी हो जाओगे ये कैसे पता चलेगा बताओ आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो द डायरेक्शन यू नो द डायरेक्शन वेदर यू आर गोइंग अप or डाउनवर्ड बट बट कितने खुश होगे और कितने दुखी होगे? ये कौन बताएगा यह बताएगा ये चैप्टर वेरिएशन इंटेंसिटी बताएगा कि किस इंटेंसिटी से खुश हो जाओगे कि पार्टी ना दे दो अब सोचो अगर ये दोनों हो गया तो अगर मार्क्स भी बढ़ गए आपके और कॉम्पिटिटर के मार्क्स कम हो गए है ना आपके मार्क्स बढ़ गए और कॉम्पिटिटर के मार्क्स कम हो गए तब तो इतने खुश हो जाएंगे कि पार्टी दे देंगे अगर आपके मार्क्स बढ़ गए और कॉम्पिटिटर के मार्क्स भी बढ़ गए तब फिर आप खुश रहोगे बस पार्टी नहीं दोगे क्योंकि कॉम्पिटिटर के भी तो बढ़े हैं अगर आपके मार्क्स कम हो गए और कॉम्पिटिटर के बढ़ गए तब तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा बहुत ज्यादा डिप्रेशन अच्छा अब यहां पर डिप्रेशन वर्ड में सिर्फ वो लाने के लिए अब अप, मैं अपनी बातों पे बेस लाने के लिए यूज कर रहा हूँ ना डिप्रेशन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग वी नो पर मैं सिर्फ अपनी बातों में बेस लाने के लिए डिप्रेशन एज अ वर्ड यूज कर रहा हूँ ठीक है तो अगर हमारे मार्क्स कम हो गए कंप्यूटर के मार्क्स बढ़ गए डिप्रेशन फुल दुखी एकदम अपने आप को डिप्रेस दुनिया का सबसे आ, क्या बोल सकते हैं उसको बैड लक इंसान समझने लग जाएंगे हम है ना और अगर हमारे भी मार्क्स हो गए कंप्यूटर के मार्क्स भी कम हो गए तब फिर हम न्यूट्रल रहेंगे कि हाँ पेपर ही टफ आया होगा राइट पेपर ही टफ आया होगा तो अब ये जो मैंने बात की वो थी इंटेंसिटी की बात कि किस इंटेंसिटी से मैं खुश या दुखी हो रहा हूं समझ में आया क्या फटाफट से बताओ सारे बच्चे बताओ फटाफट से समझ में आया इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी मतलब वॉल्यूम इन नंबर्स इंटेंसिटी का मतलब नंबर्स में बताओ नंबर्स में बताओ मैंने आपको कहा बच्चों एल नीनो एल नीनो पता है फटाफट से बताओ एल नीनो पता है सबको डोंट नो और एनी एनो वीनो बेटा एक वेदर इफेक्ट है एक वेदर इफेक्ट है जो हर पांच आई थिंक में एक बार आता है और धजिया उड़ा के जाता है ज्यादा थी, थी इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों से नहीं पूछ रहा ना मैं वैसे जम्मू में भी थी यार गर्मी मैं गया था वहां भी मेरे को टी शर्ट पहन के घुमा था मैं ठीक है दोपहर को बहुत धूप थी इस बार बारिश बहुत कम स्पैम में बहुत कम स्पैम में बहुत ज्यादा नहीं हो गई इस बार जो वायनाड में वो आया लैंडस्लाइड आया वायनाड में वो क्यों आया क्या ज्यादा बारिश के कारण आया नहीं वायनाड में लैंडस्लाइड इसलिए हुई क्योंकि कम टाइम में ज्यादा बारिश हो गई डिफरेंस समझो डिफरेंस समझो ना अगर बारिश पंद्रह दिन में इतनी होनी है और वो पंद्रह दिन में ही हो रही है इट्स गुड इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस पर अगर पंद्रह दिन की बारिश तीन दिन में हो जाए गुवाहाटी तो हर साल डूब जाता है बेटा वही गुवाहाटी में जो तो ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है है ना लैंडस्लाइड की मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगर पंद्रह दिन की बारिश तीन दिन में हो जाए तब तो आएगा फ्लड तब तो होगा लैंडस्लाइड ठीक है तो ये जो इस बार कारनामा हुआ है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई छोटे टाइम में बारिश बहुत ज्यादा हो गई ये हुआ एल नीनो के कारण एल नीनो वेदर इफेक्ट के कारण ठीक है तो ये तुम लोग को एक बेसिक आइडिया मिल गया वॉट इज एल नीनो है ना हर पांच छह साल में एक बार आता है ये ठीक है उसके पीछे वेदर आ, वो क्या नाम है तुम्हारा ओशियन जो ओशियन कर इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन ये सबके करेंट्स वो है रिस्पॉन्सिबल है ठीक है हम किस बारे में बात कर रहे हैं मैंने पूछा कि एल नीनो आने वाला है क्या ये पहले से पता था हाँ पता रहता है पहले से ही पता रहता है कि एल नीनो आने वाला है इस साल ठीक है इस साल गर्मी ज्यादा होगी बरसात ज्यादा होगी तो ये मुझे रिलेशनशिप पता चल गया कि एल नीनो का गर्मी और बारिश के साथ क्या रिलेशन है जिस साल एल नीनो आएगा जिस साल एल नीनो आएगा उस साल गर्मी और बारिश ज्यादा होगी ओके नो no प्रॉब्लम मैंने पूछा कितनी ज्यादा होगी ये बताओ गर्मी ज्यादा होगी तो हाउ मच हर साल के कंपैरिजन में एवरेज के कंपैरिजन में कितना डिग्री ज्यादा होगा ये बताओ कितनी ज्यादा बारिश होगी ये बताओ तो जब मैंने ये पूछा ना कि एल नीनो के कारण गर्मी ज्यादा होगी ओके एल नीनो के कारण बारिश ज्यादा होगी ओके बट कितनी ज्यादा होगी ये बताओ तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वेरिएशन चैप्टर लगाओ यहां पर समझे समझ में आया फटाफट पड़ से बताओ यस और नो यस भैया यस डन। स्टैटिस्टिक्स में बेटा कोरिलेशन रिग्रेशन है वो हम बाद में देखेंगे दक्ष, की बात कर रहे है? खेती डिपेंडेंट होती है तो इतनी बारिश होगी तो कितना फसल होगा फसल मतलब तो फार्मिंग ना और कम बारिश होगी तो फार्मिंग में क्या इंपैक्ट होगा इन कोरिलेशन रिग्रेशन अभी वेरिएशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा ऐसे ही रहता है अब देखो इधर देखो इधर देखो तो हमको ये समझ में आ गया ए और बी आपस में अगर रिलेटेड है तो वो रिलेशन दो टाइप का हो सकता है इट मे बी डायरेक्ट मे बी इनवर्स डायरेक्ट मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ए ऊपर जाएगा तो बी भी ऊपर जाएगा ए नीचे आएगा तो बी भी नीचे आएगा इनवर्स मतलब ए ऊपर जाएगा तो बी नीचे आएगा ए नीचे आएगा तो बी ऊपर जाएगा है ना अब ये तो डायरेक्शन पता चल जाती है हमको अब ये किस इंटेंसिटी से होगा ये जो काम होगा किस इंटेंसिटी से नंबर्स में बताओ जब पूछा जाएगा तब हम वेरिएशन के कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं As as that. तो देखो आपको वेरिएशन के नोट ड्राइव में अपलोड सारे बच्चे बताओ मिल गए थे अपलोड और क्वेश्चन बैंक भी मिल गए थे के भी हो ओके अब देखो वेरिएशन बेसिकली चैप्टर थ्री का ही एक पार्ट है जिसलिए इसका नाम है चैप्टर थ्री पॉइंट वन वेरिएशन ठीक है देखो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन हमने समझ लिया डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब अगर दो वेरिएबल क्वांटिटी ए और बी सो रिलेटेड मतलब आपस में ये दोनों रिलेटेड है पहली बात दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए सो रिलेटेड दैट ए चेंजेस बी ऑल्सो चेंजेस अच्छा मतलब अगर ए कुछ चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा ए को कुछ फर्क पड़ेगा तो बी को भी फर्क पड़ेगा सेम रेशियो में तब आप कह सकते हो कि टू बी वेरी डायरेक्टली और सिंपली वेरी एज बी दिस इज symbolically डिनोटेड बाय ए ये देखो ये सिंबल को ध्यान से देख लो ना हर क्वेश्चन में मिलेगा किस चीज का सिंबल है ये वेरी का ठीक है वेरी का सिंबल है ध्यान से देख लो ना हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं भी होगा तो तुमको जब सॉल्व करना होगा तुम इसको यूज कर सकते हो एमसीक्यू में वैसे इसका काम नहीं है ठीक है तो ये है वेरिएशन का साइन क्वेश्चन में यूज होगा ध्यान रखना ठीक है ए वेरिजे बी अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल है अब ये एग्जाम्पल है मॉड्यूल का मॉड्यूल जो बच्चे साइड बाय साइड अगर देख रहे होंगे तुम लोगों को पता चल रहा होगा हंड्रेड परसेंट मॉड्यूल कवरेज हो रहा है बताओ अभी तक दो चैप्टर हुए कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जिसने मॉड्यूल से चेक किया है अगर किया होगा तो उसको पता होगा ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू ओरिएंटेड हो सकते हैं विथ ऑल दी कॉन्सेप्ट्स हंड्रेड परसेंट कवर्ड है आप चेक कर रहे हो गए हाँ मॉड्यूल का ये क्वेश्चन हो गया हाँ ये ये सारे क्वेश्चन हो गए ओके है ना डन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अब ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बन के आ सकता है मैं जब बैठ के सोच रहा था ना मॉड्यूल चेक करता हूँ मैं तब मैं सोच रहा था कि यार ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बन के आ सकता है ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बन के आ सकता है मैं सोच ही रहा था और फिर उसके बाद मैं सारे वही पी वाई क्यू रेफरेंसेज देखता हूँ मैं रेफरेंसेज चेक कर रहा था एक क्वेश्चन मेरे को मिल भी गया जो कि आ चुका है ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आ चुका है ठीक है ये क्वेश्चन तो इसलिए मैं बोलता हूँ आर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए कब देखो द सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल इज टू पाई आर आपको पता है एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ते थे ना टू पाई आर इज दर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ठीक है सर्कम फेरेंस मतलब पूरा ये एरिया जो कवर हो जाता है पूरा जो एरिया कवर हो जाता है दैट इज सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल ठीक है सो सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल वेर डायरेक्टली एज द रेडियस अब मेरे को बताओ जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा सर्कल बड़ा होगा कि नहीं होगा ये बताओ सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से। रेडियस बढ़ाने से सर्कल बड़ा होगा या नहीं बोलो फटाफट से बताओ रेडियस बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो सर्कल बड़ा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा तो क्या बोल रहा है यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जाम्पल दिया इंस्टीट्यूट ने यहां पर इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट वेरिएशन के लिए एक एग्जाम्पल यूज किया कि जैसे हम जब रेडियस को इंप्रूव करते रेडियस को बढ़ाते हैं तो सरकम ऑफ सर्कल भी बढ़ता है तो ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट वेरिएशन का क्यों क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो सरकम बढ़ेगा रेडियस कम होगा तो सर्कम कम होगा इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर यूज किया ओके फॉर द रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज सरकम फेरेंस ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द अब डेफिनेशन इट फॉलोज दैट A वेरी करेगा B के साथ तो आप बोल सकते हो एज इक्वल टू के बी वेयर K इज कॉन्स्टेंट If a varies with b, then a is equal to k b और b is equal to a by k, that is b varies with a. अब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ओके आई विल टेल यू इन अ वाइल ये वाला पोर्शन अभी के लिए छोड़ दो ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इनवर्स वेरिएशन की जब दो वेरिएबल क्वांटिटी A और B इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि ए अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसके कारण बी डिक्रीज और इंक्रीज होगा समझे ये इंस्टीट्यूट ने सेंटेंस कैसा लिखा है समझो ए यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज होगा होगा तब बी यहां पर और इंक्रीज यानी कि जब ए इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज हो रहा है जब ए डिक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज हो रहा है ठीक है इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इस सेंटेंस को लिखा है इन अ कांस्टेंट रेशियो तब आप कह सकते हो ए बी के साथ इनवर्स वेरिएशन में किस वेरिएशन में उल्टा वेरिएशन में इनवर्स वेरिएशन में ठीक है और ए वेरी डायरेक्टली प्रोकल ऑफ बी अब रेसी प्रोकल ऑफ बी का मतलब अगेन मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं ना आपको अब वो के वाला चीज बताऊंगा समझ में आ जाएगा अब देखो एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल देखो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम सारे बच्चे बताओ क्या आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो फटाफट से बताओ क्या आप छुक 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 छुक, छुक, छुक गाड़ी में यानी कि ट्रेन में ट्रैवल करते हो भैया ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हम तो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं भैया मजा आता है ट्रेन में बिल्कुल मजा आता है एकदम इंजॉयल होती है जर्नी अब ये बताओ ट्रेन की स्पीड जो कि इंडिया में जनरली स्लो ही होती है 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 ना ट्रेन की स्पीड अगर स्लो है, तो आपको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा बोलो हाँ बोलो यस और नो भव्या बोल रही भैया मैं तो फ्लाइट वाली हूं कोई बात नहीं भव्या फ्लाइट फ्लाइट के एग्जाम्पल ले लो आप अगर ट्रेन की स्पीड स्लो है तो डेस्टिनेशन पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा उल्टा अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा ओके okay, अभिषेक भगवान का नाम लेके नहीं जाना है ट्रेन में इंश्योरेंस करा के जाना है ओके आई आर सी टी सी में जब हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो वहां पर इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन आता है एक रुपए में है ना वो इंश्योरेंस लेके जाना है ना हमको ठीक है क्या पता कब यूज हो जाए राइट तो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा ठीक है तो फटाफट से बताओ क्या ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशनशिप शेयर कर रहे फटाफट से बताओ स्पीड और टाइम आपस में क्या शो क्या शो कर रहे इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं राइट राइट यस तो ये हो गया ठीक है अब एक और टॉपिक है ज्वाइंट वेरिएशन बस इतना ही है ना चैप्टर यहां पर खत्म पर चैप्टर खत्म हो जाएगा देखो ज्वाइंट वेरिएशन देखो क्योंकि ये चैप्टर है ही नहीं बच्चों ये का एक टॉपिक है बस इसको चैप्टर का नाम दिया जाता है प्रपोर्शन का एक टॉपिक है है ये वेरिएशन वेरिएशन देखो का मतलब होता है कि जब एक वेरिएबल के के चेंज होने कारण मल्टीपल वेरिएबल्स को इफेक्ट पड़ रहा हो एक वेरिएबल के चेंज होने के कारण मल्टीपल वेरिएबल्स को इफेक्ट पड़ रहा, रहा हो सारे बच्चे बताओ हर साल इंडिया में फरवरी मंथ में बजट अनाउंस होता है स और नो फटाफट से बताओ हर साल फेब में बजट अनाउंस होता है हां तो सारे बच्चे बताओ क्या हमारा प्यारा प्यारा बजट भैया ये हमारे लिए प्यारा प्यारा नहीं है नॉट फॉर मिडिल क्लास ओके फॉर अपर क्लास इट्स गुड भैया क्या ये हमारा बजट मल्टीपल फैक्टर्स को अफेक्ट करता है हाँ स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन सेवरल स्टेट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज अन एम्प्लॉयमेंट अट्राक्टर तो सारे बच्चे बताओ क्या एक वेरिएबल के चेंज होने के कारण बजट चेंज होता है ना हर साल पहले ये बताओ बजट तो चेंज होता है ना हर साल इस साल हमारे दो फ्रेंड्स को ज्यादा बजट मिला है अगले साल किसी और दो फ्रेंड्स को ज्यादा बजट मिल सकता है गॉड नोस वो दो फ्रेंड होंगे नहीं होंगे तो इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स अपॉन लॉर्ड ऑफ फैक्टर तो जो बजट है बजट है ओके गाइस डोंट फोकस ऑन माय पॉलिटिकल जोक्स राइट डोंट फोकस इफ आर नॉट अंडरस्टैंडिंग लेट इट बी बजट हर साल चेंज होता है और इस बजट के हर साल चेंज होने के कारण इस बजट के हर साल चेंज होने के कारण मल्टीपल चीजों को इफेक्ट होता है मल्टीपल चीजों को इफेक्ट होता है राइट right? तो क्या मैं बोल सकता हूं इट्स अ जॉइंट वेरिएशन गाइस फटाफट से बताओ कैन आई से इट्स अ जॉइंट वेरिएशन टेल मी

अच्छा वेरिएशन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है ना देर आर थ्री टॉपिक्स डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन और जॉइंट वेरिएशन वेरिएशन का बस मीनिंग होता है अब देखो डायरेक्ट वेरिएशन सी सी डायरेक्ट वेरिएशन तो ए वेरीज विद बी सारे बच्चे बताओ ए वेरीज विद बी यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्टली फटाफट से बताओ ये साइन से फेवरेबल हो जाओ ये जो साइन है ना पर जो हमारे टीचर्स हमारे आंसर्स को काटने के लिए यूज करती थी स्कूल में अभी जस्ट कुछ महीनों पहले हम स्कूल में थे और और हमारी टीचर ये टिक और ये कट का साइन यूज करती थी ओके तो कट का मतलब होता है वेरिएशन का साइन ठीक है सौम्यदीप बेटा ज्वाइंट वेरिएशन का सिंपल मतलब ये होता है मैं एक लाइन में बोलू तो जब कोई एक वेरिएबल चेंज होने के कारण मल्टीपल चीजों का इफेक्ट कर रहा है सौम्यदीप बेटा आप कौन सी सिटी में रहते हो बताओ फटाफट से बताओ कौन सी सिटी में रहते हो आप चलो थोड़ा कवरेज क्षेत्र वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए बताओ कौन सी सिटी में रहते हो वट इज द नेम ऑफ योर सिटी ये देखो सुमित बोल रहा है पटना सुमित से पूछा क्या मैं जमशेदपुर ओके जमशेदपुर राइट अब जमशेदपुर से रिलेटेड एग्जाम्पल मिल ले लेता हूं टाटा बताओ सौम्यदीप नो you know? टाटा का प्लांट है ना एक मिनट यार सौम्यदीप दो है क्या क्लास में नहीं एक ही हाँ टाटा का प्लांट है जमशेदपुर में यस अब मुझे बताओ सौम्यदीप पहले टाटा का प्लांट नहीं था और बाद में आ गया तो ये बताओ जमशेदपुर में टाटा का प्लांट लगने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी हाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर कनेक्शन अच्छा हुआ हाँ क्योंकि प्लांट है टाटा का काम बंद नहीं हो सकता तो पावर कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई हाँ कनेक्टिविटी हुई हाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ यस टाटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे चैरिटेबल वर्क वहां पर करती है हाँ तो ये बताओ एक एक वेरिएबल के चेंज होने के कारण टाटा का एक प्लांट लग जाने के कारण जमशेदपुर में मल्टीपल चीजें हुई फटाफट से बताओ सौम्य दीप मल्टीपल चीजें अफेक्ट हुई ना एक प्लांट लग जाने के कारण यस तो दिस इज ज्वाइंट वेरिएशन दिस इज नोन एज ज्वाइंट वेरिएशन ठीक है ठीक hmm. है अभिषेक बोल रहा है मैं आ रहा हूं जमशेदपुर अनुराग बता रहा है सिंगुर में नैनो का प्लांट ना होने से उल्टा हुआ ओके चलो अब करंट अफेयर्स की बात नहीं करते बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता करंट अफेयर्स में ठीक है अब देखो ए वेरीज विथ बी डायरेक्टली ए वेरीज विथ बी डायरेक्टली अब सुनो इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं वेरीज का साइन हटा के डायरेक्ट वेरिएशन को ऐसे लिखते हैं सारे बच्चे बताओ मैंने वेरी को हटा के कौन सी दो चीजें ऐड कर दी फटाफट से बताओ से बताओ बोलो एक्सक्यूज मी बोलो मैंने वेरी हटा के दो चीजें ऐड कर दी कौन सी चीजें इज इक्वल टू और के। अब भैया इसका मतलब क्या है अब इज इक्वल टू का मतलब तो सबको पता है। बताने की जरूरत नहीं है के का मतलब है बच्चों एनी कॉन्स्टेंट के का मतलब होता है बच्चों एनी कॉन्स्टेंट अब मेरे को बताओ ये कॉन्स्टेंट ही तो इंटेंसिटी बताएगा भैया समझा नहीं कांस्टेंट इंटेंसिटी बताएगा हाँ इंटेंसिटी बताएगा कांस्टेंट अच्छा कैसे भैया कैसे मेरे को बताओ वेरिएशन चैप्टर पढ़ क्यों रहे इंटेंसिटी जानने के लिए इंटेंसिटी जानने के लिए थे पढ़ रहे वेरिएशन चैप्टर तो ये इंटेंसिटी कौन बताएगा के बताएगा कॉन्स्टेंट कैसे मेरे को एक बात बताओ बच्चों सारे बच्चे बताओ मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो है वो क्लास में x मार्क्स लेके आता है तो B जो है वो टू एक्स मार्क्स लेके आता है फटाफट से बताओ या फिर मैं इसको पहले सेंटेंस पे लिखता हूं B स्कोर डबल ऑफ ए सारे बच्चे बताओ इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि B स्कोर करता है डबल व्हाट ए स्कोर ए जितना भी मार्क्स स्कोर करता है उसका डबल मार्क्स बी स्कोर करता है तो क्या मैं बोल सकता हूं ए अगर एक्स स्कोर करता है तो बी जो है वो टू टाइम्स ऑफ एक्स स्कोर करता है फटाफट पड़ से बताओ बोलो यही बोल रहा है ना यही बोल रहा है ना कि ए अगर एक्स स्कोर करता है तो बी टू टाइम्स ऑफ एक्स स्कोर करता है तो ए और बी के बीच में रिलेशनशिप कैसा बना फटाफट पड़ से बताओ ए और बी के बीच में रिलेशनशिप कैसा बना क्या मैं बोल सकता हूं टू टाइम्स ऑफ ए मार्क्स इज इक्वल टू बी का मार्क्स फटाफट से बताओ सारे बच्चे बताओ टू टाइम्स ऑफ ए का मार्क्स ध्यान से देखो बच्चों ध्यान से टू ए का मतलब क्या हुआ टू ए का मतलब हुआ टू एक्स और बी का मतलब क्या हुआ टू एक्स ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो यहां पर ये ए है ओ यहां पर ये ए है तो रिलेशनशिप ऐसा कुछ बना ना ध्यान से देखो ना क्या ऐसा रिलेशनशिप बना टू टाइम्स ऑफ ए का मार्क्स इज इक्वल टू बी का मार्क्स इज इक्वल टू बी का मार्क्स टू टाइम्स ऑफ ए का मार्क्स ए का मार्क्स कितना होता है एक्स होता है ए का मार्क्स मैंने कितना लेके रखा है एक्स लेके रखा है तो टू टाइम्स ऑफ ए का मार्क्स बी के मार्क्स के बराबर है पहले बताओ ये समझ में आया बोलो येस और नो यस और नो अब मेरा आपसे यहां पर दो क्वेश्चन है अगर आप दोनों चाहोगे आंसर तो मैं पूछूंगा नहीं देना चाहोगे तब तो कोई बात ही नहीं है मेरे पास आपसे यहां पर दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं मैं वो दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा रुको एक मिनट कुछ बच्चे बोल रहे भैया एक बार रिपीट करो एक बार रिपीट करो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, देखो प्यारे प्यारे बच्चों इनको समझ में नहीं आया इधर देखो बी स्कोर डबल एज ऑफ ए तो ए जितना मार्क्स स्कोर करता है उसका डबल मार्क्स बी स्कोर करता है यस और नो कौन बताएगा आम। नाजरीन और लीजा नाजरीन और लीजा फटाफट से बताओ ए जितना स्कोर करता है उसका डबल बी स्कोर करता है यही है ना सेंटेंस का मतलब बी स्कोर डबल ऑफ ए बी डबल मार्क्स स्कोर करता है ए के कंपैरिज़न में हाँ तो क्या ये ऐसा इक्वेशन बना टू ए इज इक्वल टू बी फटाफट से बताओ क्या ये ऐसा इक्वेशन बना टू एज इक्वल टू बी बस इतना ही बताया इतना ही समझाया अभी तक, मैंने ही समझा अभी तक मैंने ही समझा कि टू ए इज इक्वल टू बी अब मेरा पहला क्वेश्चन है ये बताओ ये कौन सा रिलेशनशिप है डायरेक्ट है या इनवर्स है जॉइंट तो है ही नहीं क्योंकि दो ही वेरिएबल है डायरेक्ट है या इनवर्स है ये बताओ मेरे को सारे बच्चे बताओ फटाफट से ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप भैया ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है मैंने पूछा क्यों क्योंकि भैया दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में बी स्कोर डबल एस ऑफ ए ए जितना मार्क्स स्कोर करेगा उसका डबल स्कोर करेगा और दोनों का मार्क्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा कम होगा तो कम होगा राइट है ना ए का मार्क्स बढ़ेगा तो बी का मार्क्स भी बढ़ रहा होगा ए का मार्क्स कम हो रहा होगा तो बी का मार्क्स भी कम हो रहा होगा तो इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप यस मैंने पूछा इंटेंसिटी बताओ क्या है मेरा सेकेंड क्वेश्चन बताओ इंटेंसिटी क्या है ये बताओ बताओ इंटेंसिटी क्या है यस वेरी गुड टू टाइम्स दिस इज द इंटेंसिटी टू एक्स टू एक्स यानी जब ए का मार्क्स एक बढ़ेगा तो बी का दो बढ़ेगा डबल रेट से बढ़ेगा डबल रेट से ए एक मार्क्स ज्यादा करेगा बी दो मार्क्स ज्यादा बढ़ेगा ए का एक मार्क्स और बढ़ेगा बी का दो और बढ़ेगा एक का एक और बढ़ेगा बी का दो और बढ़ेगा ए का तीन बढ़ेगा बी का छह बढ़ेगा एक का दस बढ़ेगा बी का बीस बढ़ेगा <zuk that Waiting>? तो डबल इंटेंसिटी हमको इस क्वेश्चन वेरिएशन चैप्टर में निकालना है हमको क्या निकालना है हमको यही निकालना है ये ये मिसिंग होगा क्वेश्चन में दिस वी नीड टू फाइंड कि वॉट इज द इंटेंसिटी रिलेशनशिप भी क्वेश्चन खुद ही बता देगा खुद ही बता देगा इनवर्स है कि डायरेक्ट है इनवर्स है कि डायरेक्ट है वो खुद ही बता देगा हमको ये जानना है इंटेंसिटी क्या है अब ये इंटेंसिटी बच्चों टू के जगह थ्री फोर फाइव सिक्स कैन बी एनी थिंग फोटवर से बताओ एक बार रिलेशनशिप तो इंटेंसिटी तो कुछ भी हो सकता है ना डबल ऑफ बी ट्रिपल ऑफ बी फोर टाइम्स ऑफ ए फाइव टाइम्स ऑफ ए सिक्स टाइम्स ऑफ ए सेवन टाइम्स ऑफ इट कैन बी एनी थिंग ना तो इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं एक कॉन्स्टेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट कि हमें नहीं पता ये कुछ भी हो सकता है इट कैन बी एनी नंबर इट कैन बी एनी नंबर ये कुछ भी हो सकता है तो अब जरा ध्यान से देखो ए टू इज इक्वल टू के बेसिकली ए टू मतलब इंटू टू ना इज इक्वल टू के सॉरी इज इक्वल टू बी अब अगर यहीं पर मैं इस कॉन्स्टेंट को हटा दू और इज इक्वल टू हटा दू फटाफट पड़ से बताओ अब आया समझ में कि ये मेंट नंबर जो कुछ भी हो सकता है इट कैन बी के इट कैन बी एनी थिंग इट इज के इट कैन बी एनी थिंग के इज कॉन्स्टेंट ना सी इज नॉट कॉन्स्टेंट ठीक है ओके okay, सी वाला सी इज नॉट कॉन्स्टेंट के इज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मीन एनी नंबर एनी 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 नंबर 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 इज के ठीक है वो कुछ भी हो सकता है कि इंटेंसिटी के किसको रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी को किस इंटेंसिटी से वो आइटम जो है वो चेंज होगा इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है के और इज इक्वल टू है तो ये दोनों को आप इससे रिप्लेस करते हो ये दोनों को आप इसलिए रिप्लेस करते हो इसीलिए आपका फॉर्मूला बनता है एज इक्वल टू के बी और बी इज इक्वल टू के ए दोनों में से कुछ भी लिख लो एक ही बात है, डारेक्ट, डारेक्ट वे, है तो ए इज इक्वल टू के बी का मतलब समझ में आया के तो इज इक्वल टू क्यों लगा क्योंकि दोनों बराबर करना है हमको और के का मतलब किस इंटेंसिटी से बी चेंज हो रहा है जब ए चेंज होगा तो ए रुपए से चेंज होगा तो बी कितने रुपए से चेंज होगा ए एक सेंटीमीटर तो से, से चेंज होगा तो बी कितने सेगजाम्पल तो okay? लिया था राखी इट्स जस्ट एन आर्बिट्री एग्जाम्पल टू तो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना बेटा इसलिए टू लगा अगर मैं यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल लिख दू बेटा जी अगर मैं डबल की जगह ट्रिपल लिख दूं तो यहां पर मेरा क्वेश्चन थ्री आ जाएगा अगर मैं फोर टाइम्स लिख दूं तो मेरा फोर आ जाएगा तो एग्जाम्पल एक एक ले रहा था समझा रहा था तुम लोगों की के कैन बी एनी नंबर के कैन बी एनी नंबर फटाफट से बताओ समझ में आया या गया

अब एक बार एक बार मेरी ध्यान से, बात सुनो एक बार बस ध्यान से कोई चार्ट बॉक्स में कुछ नहीं बोलेगा पिन ड्रॉप साइलेंस पिन ड्रॉप साइलेंस कोई चार्ट बॉक्स में कुछ नहीं बोलेगा ओके ओके भैया डन देखो इफ पी डायरेक्टली एस क्यू पी क्या कर रहा है क्यू के साथ वेरी कर रहा है अच्छा डायरेक्शन क्या होगा क्या हमें सोचना पड़ेगा नहीं क्वेश्चन खुद ही बताएगा डायरेक्ट वेरिएशन कौन सा वेरिएशन है डायरेक्ट वेरिएशन यानी कि P वेरिज विथ Q ओके okay. P इज विथ Q अब डायरेक्ट वेरिएशन के केस में हमको पता है P क्यू हो जाएगा वेरी के जगह वेरी वाले साइन के जगह इज इक्वल टू और K लगा देना K क्यों लगाए क्योंकि हमें पता नहीं है किस इंटेंसिटी से चेंज हो रहा है वही तो निकालना है K ही तो निकालना है डायरेक्शन पता है इंटेंसिटी निकालना है डायरेक्शन पता है डायरेक्ट वेरिएशन है इंटेंसिटी निकालना है ठीक है तो ये इंटेंसिटी हम ढूंढेंगे अब देखो क्वेश्चन आगे बताएगा आपको क्या बताएगा इफ क्यू इज इक्वल टू टू और पी इज इक्वल टू फोर बोल रहा है क्यू की वैल्यू टू है और पी की वैल्यू फोर है तो इसको इस फॉर्मूला में पुट करके इंटेंसिटी निकाल लो निकाल लो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू फोर बाय टू ये टू आ गया ये टू आ गया इंटेंसिटी हमको पता चल गया सारे बच्चे बताओ अब बताओ अब बताओ यहां तक समझ में आया समझ में आया सौम्यदीप का एक डाउट आया यहां तक के डिस्कशन में सौम्यदीप का एक डाउट आया कि भैया क्यू पहले क्यों नहीं आ सकता या फिर पी के साथ में के क्यों नहीं आ सकता सिंपल शब्दों में यहां पर आपने के को क्यू के साथ क्यों बैठाया पी के साथ क्यों नहीं बैठाया बेटा स्वामी जी वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन ने बोला पी वेरी करता है क्यू के साथ इसका मतलब क्यू चेंज होता है तब पी चेंज होता है तो हमको वो जो कॉन्स्टेंट है वो क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है सिंपल पी वेरी करता है क्यू के कारण यानी क्यू जब चेंज होता है क्यू कैसे चेंज होगा क्यू कैसे चेंज होगा क्यू कैसे चेंज होगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी नंबर हो सकता है तो क्यों के कारण चेंज होगा और इसके चेंज होने के कारण पी चेंज होगा तो फॉर्मूला ऐसे बनता है कि पी वेरी करेगा क्यू के चेंज होने के कारण दैट्स वाई पी इज इक्वल टू के क्यू तो यहां पर बेसिकली क्यू जब चेंज होगा इसके के कारण तब पी चेंज होगा समझ में आया सौम्यदीप ओके okay? तो ये था एक सौम्यदीप का डाउट दूसरा डाउट है अभिषेक का इंटेंसिटी का मतलब बताओ तो देखो पी वेरीज डायरेक्टली विद क्यू और जब 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 क्यू चेंज होगा जब जब क्यू यहाँ पर K के के कारण चेंज होगा तब तक पी भी चेंज होगा हमको क्वेश्चन ने बोला अगर पी की वैल्यू फोर है और क्यू की वैल्यू टू है तो के की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे ठीक है तो के की वैल्यू आई टू अब इस टू का मतलब क्या है इस टू का मतलब ये है कि कि ये बताओ P, कितना चेंज होगा क्यू के चेंज होने के कारण पी कितना ये तो पता चल गया कि पी चेंज होगा क्यू के चेंज होने के कारण क्यू के चेंज होने के कारण पी चेंज होगा के का मतलब होता है पी कितना चेंज होगा ये बताओ कितना चेंज होगा चेंज तो होगा ये तो पता चल गया कितना चेंज होगा ये बताओ डबल डबल चेंज होगा ट्वाइस समझ में आया अभिषेक तो के का मतलब होता है कितना चेंज होगा चेंज तो होगा पर कितना चेंज होगा ये बताना होता है बोलो यस और नो ठीक है ओके अब देखो अब यहां तक तो एक पार्ट ये देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है ना एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया अब आपसे क्वेश्चन आगे पूछेगा अगर P का वैल्यू टू हो जाए क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगर p का वैल्यू टू हो जाए तब फिर क्यू का वैल्यू क्या आएगा बताओ देखो अब उसने एक नया क्वेश्चन बना दिया ना नया क्वेश्चन बना दिया हमें पता है P क्यू अब ये बताओ ये K चेंज होगा कभी ये K कभी चेंज होगा फटाफट पड़ से बताओ इंटेंसिटी चेंज होगी क्या नहीं इंटेंसिटी तो हमेशा टू रहेगी Q का मार्क्स चेंज होता रहेगा उसके कारण P का मार्क्स चेंज होता रहेगा इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी ट्वाइस इंटेंसिटी तो हमेशा सेम रहेगी ट्वाइस इधर आप क्यू का मार्क्स चेंज करते जाओ पी का मार्क्स चेंज होता रहेगा या फिर पी का मार्क्स चेंज करते जाओ क्यू का मार्क्स चेंज होता रहेगा ठीक है।, है ओके तो पी का चेंज करते जाओ क्यू का चेंज होगा क्यू का चेंज करते जाओ पी जा bon, का चेंज होगा ये चलता रहेगा रहे रहे के सेम रहेगा के सेम रहेगा इंटेंसिटी सेम रहेगी ठीक है।, है तो हमने के का वैल्यू बच्चों निकाल लिया है टू अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर पी का वैल्यू टू हो जाए अगर पी का वैल्यू टू हो जाए तो क्यू का वैल्यू बता दो हमें हम बता देंगे टू बाई टू इट्स वन अब बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें बनेगा दिसंबर टू थाउजेंड एटीन बड़े से बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें ये बनेगा बोलो यस और नो एब्सोल्युटली क्लियर गाइस एब्सोल्युटली क्लियर वेरी वेरी गुड यू गाइस आर वेरी स्मार्ट वेरी वेरी स्मार्ट ओके okay, भैया डन एकदम बनेगा चलो ठीक है हम्म क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बताओ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम देन एस टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ट्रू और फॉल्स ध्यान से देखो वैसे तो इनवर्स वाला क्वेश्चन है ये या भी मुझे पूछना नहीं चाहिए तुम लोग से छोड़ दो इसको इनवर्स वाला है पूछना नहीं चाहिए चलो ठीक है ओके डन डायरेक्ट वेरिएशन बच्चों बस इतना ही है अब इसमें कोई चेंज कुछ, कुछ... हाँ ये भी एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है ये भी कर लो अगर ए वेरी करता है वन बाय बी से अब बताओ कुछ नहीं बोल रहा वैसे तो इनवर्स वेरिएशन का है पर तुम लोग जैसे करते हो वैसे ही कर दो ए वेरी कर रहा है वन बाय बी से ये इनवर्स का क्वेश्चन क्यों है बताऊंगा बाद में ठीक है और ए का वैल्यू सेवन है बी का वैल्यू थ्री है तो पहले के का वैल्यू निकालो चलो निकालो बताओ के का वैल्यू कितना आ रहा है के का वैल्यू कितना आ रहा है ये बताओ ट्वेंटी वन चलो देखते हैं ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू के इंटू वन बाय बी ठीक है Inverse के जगह इज इक्वल टू के, लग जाएगा. के 7 लिख लो और बी के जगह थ्री लिख लो तो ट्वेंटी अब बोल रहा है ये बताओ अगर बी का वैल्यू टू वन बाय थ्री हो जाए तो ए का वैल्यू क्या आएगा अगर बी का वैल्यू टू वन बाय थ्री हो जाए यानी टू पॉइंट थ्री 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 हो जाए तो ए का वैल्यू क्या है? ये बताओ देखो ए इज इक्वल टू के अपॉन बी है ठीक है रिलेशनशिप तो यहाँ पर के का वैल्यू हमको, हमको पता है ट्वेंटी वन है बी का वैल्यू हमको पता है टू पॉइंट थ्री 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 है तो ए का वैल्यू हमको बताना था तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री 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 तो ये आ रहा है बच्चों नाइन ठीक है ये आ रहा है नाइन बताओ इजी सी आंसर है इसका बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है इसमें किसी को कोई डाउट है क्या नहीं ओके अब आते बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों इनवर्स वेरिएशन देखो इनवर्स वेरिएशन क्या होता है

तो एज इक्वल टू के इनवर्स की जगह लि यही लिखा आएगा इनवर्स की जगह लिखना हमको यही है बी को आपको बी ना लिख के वन बाय बी लिखना है ओ ये क्यों भैया ये क्यों भैया क्योंकि बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ए चेंज होता है बी के साथ बट कैसा इनवर्सली उल्टा उल्टा चेंज होता है उल्टा उल्टा मतलब बी बढ़ेगा तो ए कम होगा ए कम होगा तो बी बढ़ेगा अच्छा भैया एग्जाम्पल दो नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं भैया ऐसे नहीं थ्योरिटिकली नहीं एग्जाम्पल के साथ समझाओ वैसे तो जो बच्चे फॉर्मूला देख लिया अब उनको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे पर फिर भी लॉजिक शुड बी क्लियर ना लॉजिक शुड बी क्लियर ए वेरी करेगा बी के साथ हाँ करेगा कैसे वेरी करेगा उल्टा उल्टा मतलब बी बढ़ेगा तो ए कम होगा ए कम होगा तो बी बढ़ेगा ऐसा होना चाहिए ओ तो अब सारे बच्चे बताओ इस लॉजिक से ठीक है अगर ए टू है और बी मान लो थ्री है तो पहले मेरे को के वैल्यू बताओ मैं प्रूफ कर रहा हूं यह b, हाँ, b, b। पर आई एम प्रूविंग वाई दिस इज वन बाय बी वाई लॉजिक के हिसाब से तो क्लियर है पर न्यूमेरिकली हम हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बताओ के का वैल्यू क्या के का वैल्यू बताओ मेरे को आ गया सिक्स बोलो येस और नो बोलो येस और नो ओके अब देखो अब इधर देखो इधर देखो बी था थ्री अब मैं कर देता हूं बी को वन बोलो ए की वैल्यू क्या आएगी थ्री से मैंने बी को वन कर दिया अब सुनो अब सुनो पहले एक सेकंड एक सेकंड सॉल्व करने के पहले मेरी बात सुनो बी को मैंने कम किया तो ए बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए इनवर्स रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप तो बी कम होने के कारण A बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए अब चेक करो बढ़ना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है चेक करो और बताओ मेरे को चेक करो और मेरे को बताओ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ए का वैल्यू आया हमारा सिक्स इंटू वन बाय वन तो ए का वैल्यू आ गया बच्चों सिक्स ए का पहले वैल्यू था टू अब हो गया सिक्स बी का वैल्यू कम होने के कारण ए का वैल्यू बढ़ा ए का वैल्यू बढ़ा बोलो येस और नो समझ में आया और एक ट्रायल कर लो और एक ट्रायल कर लो ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू वॉट एल मी इज़ इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू वॉट बताओ सारे बच्चे बताओ फटाफट से ए का वैल्यू वन ए का वैल्यू ट्वेंटी वन वन बाय बी तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन था सिक्स अच्छा सॉरी सिक्स था ट्वेंटी वन तो क्वेश्चन नंबर वन का था का वैल्यू आ गया सिक्स अब ये बताओ ए का वैल्यू हमने टू से वन कर दिया तो ए का वैल्यू कम हुआ क्या हुआ ए का वैल्यू कम हुआ इनवर्स रिलेशनशिप के तहत ए का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो बी का वैल्यू बढ़ना चाहिए बोलो हां का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो बी का वैल्यू बढ़ना चाहिए ए का वैल्यू कम हो रहा है तो बी का वैल्यू तो बढ़ना चाहिए क्या बी का वैल्यू बढ़ा हाँ बढ़ा ना थ्री से सिक्स हो गया थ्री से सिक्स हो गया तो सारे बच्चे बताओ हेंस प्रूव्ड इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है ए का रिलेशनशिप विथ बी का उल्टा ए का रिलेशनशिप विथ बी का उल्टा फिगर वन बाय बी ए का रिलेशनशिप विथ वन बाय बी दैट मीन्स बी बढ़ेगा तो ए कम होगा ए कम होगा तो बी बढ़ेगा तो लॉजिकली न्यूमेरिकली फ्रॉम बोथ वे वी हैव डन दिस ठीक है तो अब वी आर नाउ एलिजिबल टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लॉट्स Lots of अब मैं in the और अगर नहीं भी आए तो प्रैक्टिस करके क्योंकि यही सत्रह क्वेश्चन जो आपके हैं उसी के आस पास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में आपने इसका पी व्यू वेटेज भी देखा है दो तीन अटेम्प्ट में एक बार आता है इसका क्वेश्चन और शायद वो अटेम्प्ट आपका हो तो इसलिए जो भी है आपका इसलिए ध्यान से करना चलो क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करो कॉपी लो और बोल रहा है अगर ए बी वेरी करता है एक्स वाई के साथ एंड ए बाय प्लस बी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ऑप्शन सही है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही, सही है बताओ ए बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे आंसर बाकी बच्चे भी चेक करो ओके okay, चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं देखो सॉल्यूशन नंबर टू ठीक है यहां पर देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए बाय बी प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स राइट हाँ और ए बी जो है वो वेरी करता है एक्स वाई के साथ ऑब्वियसली क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट वेरी करता है अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा एलसीएम तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई अब यहाँ पर जरा देखो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू एक्स वाई के इंटू एक्स वाई राइट बोलो ये yes no. और नो और वी कैन से हाँ चलो यही लेते हैं अब यहां पर क्या करना है हमको ए बी के जगह के एक्स वाई की वैल्यू डाल देना है यहां ए बी के जगह के एक्स वाई की वैल्यू डाल देना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यहां पर मैं लिख सकता हूं के इंटू एक्स वाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं सारे बच्चे बताओ इन दैट बॉक्स इंडिया वॉन्ट्स टू नो क्या हम ए बी इज इक्वल टू के इन टू एक्स वाई लिख सकते हैं बिल्कुल भैया क्योंकि हमें अभी, अभी पता चला ए बी वेरी करता है XY के साथ क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला मतलब डायरेक्टली करता है इनवर्सली नहीं बोला ना मतलब डायरेक्टली वेरी करता है ठीक है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई अब ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा एक्स और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा के क्या है एक कॉन्स्टेंट है बेचारा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के को यहां भेज देंगे एक्स स्क्वायर अब जरा ध्यान से देखो बच्चों इन दोनों को क्या कुछ बोल सकता हूं मैं इज इक्वल टू और के को क्या मैं कुछ बोल सकता हूं हाँ भैया क्या बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरी वेरी विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ माई गॉड ये तो कोई सा आंसर आ गया कौन सा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए ए ऑप्शन नंबर से बताओ क्लियर अब बताओ किसी बच्चे कोई डाउट है ये प्रियांशु को डाउट है एलसीएम पे ठीक है और बताओ और किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में

एलसीएम को नीचे वाले पोर्शन से डिवाइड करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही करते हैं बोलो प्रियांशु यस और नो ऐसे ही करते हैं ना जो भी पोर्शन आता है एलसीएम जो भी आता है उसको नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ए बी आया तो ए बी को मैं बी से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा ए बी एलसीएम को मैं बी से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा ए अब ये जो ए आंसर आया उसको मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा ए तो यहां पर आ गया ए स्क्वायर वैसे यहां पर ए बी को मैं A से डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा बी और बी को मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर ठीक है प्रियांशु समझ तो में आया तो यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में अपॉन ए बी सेम एक्स वाई के साथ किया मैंने फटाफट से बताओ क्लियर यस भैया यस डन डना डन बोलो बच्चों इजी मार्क्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे इस चैप्टर में बिल्कुल भैया बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिसंबर सेवनटीन में आया था ये दोनों क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के थे ठीक है दिसंबर सेवनटीन का क्वेश्चन देखो पी वेरी कर रहा है इनवर्सली ओ एस क्यू अगर पी का वैल्यू टू है और क्यू का वैल्यू थ्री है तो पहले के का वैल्यू निकाल लेना और K का वैल्यू निकालने के बाद पी का वैल्यू निकालना जब क्यू का वैल्यू टू हो जाएगा चलो फटाफट से निकालो और बताओ पूजा बोल रही उसके बाद वाला स्टेप क्या था उसके बाद वाले स्टेप में पूजा हमने यहां पर की वैल्यू को K into XY से रिप्लेस कर दिया अब ये वैल्यू कहां से आई क्वेश्चन ने हमको बताया था कि ए बी जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स वाई के साथ कुछ नहीं बोला मतलब डायरेक्टली वेरी कर रहा है ठीक है तो एज इक्वल टू के इंटू एक्स वाई हो गया ए बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स वाई हो गया

डोलन बेटा एक बार सारे क्वेश्चन हो जाने दो उसके बाद मुझे बताना ठीक है पूजा क्लियर ओके चलो ये क्वेश्चन है डोलन ये क्वेश्चन देखो ध्यान से बोल रहा है क्वेश्चन कि पी पी वेरी कर रहा है क्यू के साथ इन्वर्सली, ओ इनवर्सली का मतलब क्या होगा इनवर्सली का मतलब होगा पी इज इक्वल टू के इंटू वन बाय क्यू हो जाएगा बोलो हां इनवर्स का मतलब क्या होता है पी वेरी कर रहा है क्यू के उल्टे के साथ इनवर्स के साथ ठीक है पी का वैल्यू टू लिख दो और क्यू का वैल्यू यहां पर थ्री लिख दो तो के का वैल्यू पता चल जाएगा के का वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स आ गया ओके okay, बड़ा से बताओ डोलन क्लियर हुआ यहां तक की बात क्लियर हुई डोलन के का वैल्यू हमने सिक्स निकाल लिया बड़ा मजा आया अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हमें पी का वैल्यू बताना जब क्यू का वैल्यू टू हो जाए हमें पी का वैल्यू बताना जब क्यू का वैल्यू टू हो जाए तो ठीक है पी इज इक्वल टू के इंटू वन क्यू अब हमें पी का वैल्यू बताना है के का वैल्यू हमारे पास सिक्स है और क्यू का वैल्यू है टू ठीक है तो हमें पता चला कि पी का वैल्यू आ जाएगा सिक्स बाई टू दैट इज थ्री पी का वैल्यू आ गया थ्री बताओ क्लियर है बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर बोलो यस और नो यस भैया यस बोलो ओके डन फोर हमने क्वेश्चन कर लिया है फिफ्थ क्वेश्चन दिसंबर नाइनटीन का क्वेश्चन है एक्स वेरी कर रहा है इनवर्सली वाई के साथ एक्स का वैल्यू थ्री है तो वाई का वैल्यू फोर है तो मुझे तो क्वेश्चन को बताओ कि अगर वाई का वैल्यू सिक्स हो जाए तो एक्स का वैल्यू क्या होगा चलो तो पहला काम क्या है के निकालना पड़ेगा तो एक्स वेरी करेगा इनवर्सली एस वाई एक्स का वैल्यू थ्री लिख देंगे और वाई का वैल्यू फोर लिख देंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा फोर ज़ा ट्वेल्व अगर वाई का वैल्यू सिक्स हो जाए k का वैल्यू तो ट्वेल्व है वाई का वैल्यू अगर सिक्स हो जाए तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा टू फटाफट पड़ से बताओ इजी और नॉट एकदम ईजी भैया एकदम ईजी मजा आ गया मक्खन वेरी गुड वेरी वेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है बच्चों अब थोड़ा ध्यान से ना थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन जून सेवनटीन में आया था दिस इज अ गुड क्वेश्चन दिस इज अ गुड क्वेश्चन देखो Easy है ना मतलब इजी है पर थोड़ा ध्यान देके पढ़ना वाई का वैल्यू बच्चों ए प्लस बी है जहां पर ए एंड बी वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली और इनवर्सली रिस्पेक्टिवली इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए प्लस बी में जो ए वाला बंदा है ये डायरेक्ट वेरिएशन फॉलो कर रहा है ए वाला बंदा क्या कर रहा है वाई के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है और बी वाला बंदा y के साथ इनवर्स वेरिएशन में यही आपको समझना है इस क्वेश्चन में यही समझना था कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी है जहां a एंड b वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली एंड इनवर्सली रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली वर्ड से पता चला कि a डायरेक्टली और b इनवर्सली वेरी कर रहे हैं ओके okay. विथ x x के साथ ठीक है x के साथ a डायरेक्टली वेरी कर रहा है और b इनवर्सली वेरी कर रहा है x के साथ a डायरेक्ट रिलेशनशिप में है और बी इनवर्स रिलेशनशिप में ओके okay. अगर एक्स की वैल्यू वन है जहां पर वाई इज़ इक्वल टू इलेवन है और एक्स की वैल्यू टू है जहां पर वाई इज़ इज़ इक्वल वाई इक्वल टू थर्टीन है तो वैल्यू ऑफ वाई बताना जब एक्स की वैल्यू थ्री हो जाएगी चलो बताओ पहले क्या निकालना है तुम लोग को पता है सौम्य तो दीप बेटा एक्स का ए के साथ रिलेशनशिप लिखो एक्स का बी के साथ रिलेशनशिप लिखो ठीक है दोनों केस में के मिल जाएगा बता रहा हूँ ना डायरेक्शन बता रहा हूं सॉल्व करने का एक्स की वैल्यू डाल देना और फिर वो जो इक्वेश रेडी मिल गए ए और बी के जगह लिखना वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है दोनों केस में उसको यूज करके के फाइंड आउट कर लो सबसे पहले ये क्वेश्चन है बेटा दमदार थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करो गलत आंसर आएगा तो भी चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं जून सेवेंटीन का क्वेश्चन है ना ये एक आंसर आ रहा है 15 और एक आंसर आ, है आंसर आ रहा है दो आंसर आ रहे हैं। हैं। दो आंसर आ रहे अब बताओ मैं बताऊं या और कोई ट्राई कर रहा है अभी रुकना है नहीं बेटा आशीष कॉपी में क्यों लिखना है यू शुड है प्रिंट आउट No need to copy. 17 ज्यादा आंसर आ रहा है चलो बता दो ठीक है देखो सबसे पहले बच्चों y इज इक्वल टू ए प्लस बी है ए वेरी करता है x के साथ b भी वेरी करता है x के साथ ओके okay. ए वैरी करता है एक्स के साथ डायरेक्टली और बी वैरी करता है एक्स के साथ इनवर्सली बताओ यहां तक की बात समझ में आई क्या यहां तक की बात समझ में आई क्या सबको ए वैरी करता है एक्स के साथ डायरेक्टली बी वेरी करता है एक्स के साथ इनवर्सली ओके okay. अब देखो जब एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू इलेवन है जब एक्स की वैल्यू वन है तो केस नंबर वन एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू इलेवन तो अब ध्यान से देखो इधर देखो इधर देखो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ये क्वेश्चन है मेरे पास वाई की वैल्यू है बच्चों यहां पर इलेवन ए का मतलब है के इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए का मतलब है इंटू एक्स और बी का मतलब है के इंटू वन बाय के इंटू वन बाई एक्स तो ए और बी का मैंने वैल्यू यहां पर पुट कर लिया अब देखो वाई का मतलब है इलेवन वाई का मतलब है इलेवन ठीक है के को यहां पर खाली छोड़ दो हाँ यहां पर के को अलग अलग डिनोट करना पड़ेगा के वन और के टू क्योंकि वो दोनों के साथ अलग इंटेंसिटी से चेंज हो रहा होगा एक्स जो है वो के के साथ दोनों केस में अलग अलग के होगा यहां पर ठीक है दोनों भी केस में यहां पर के अलग अलग होगा ठीक है तो के वन और के टू डिनोट कर लेना यहां पर दोनों की इंटेंसिटी यहाँ पर अलग होगी, टू ठीक है ओके अब ये के वन के साथ में एक्स की वैल्यू यहां पर मैंने ली है वन तो इंटू वन प्लस के टू के साथ में यहां पर भी एक्स की वैल्यू क्या है वन है तो बेसिकली यहां पर आ गया इलेवन इज इक्वल टू के वन एक्स सॉरी की जगह तो मैंने वन लिख दिया था ना पर वन प्लस फटाफट से बताओ यहां तक की बातें सबको समझ में आई क्या यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े नहीं तो वापस पीछे आए फिर आगे आए बोलो अच्छा भैया के वन और के टू क्यों लिए फिर से बताओ एक बार भैया वाई देयर इज अ टू केस सारे बच्चे बताओ क्या जरूरी है कि x जिस इंटेंसिटी से a के साथ चेंज होगा उसी इंटेंसिटी से b के साथ चेंज होगा बस इसका आंसर दे दो मेरे को इसका जो भी आंसर होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे मेरे को बस इतना बता दो कि क्या जरूरी है कि x जिस इंटेंसिटी से a के साथ चेंज होगा, होगा नहीं और अगर होगा भी तो ठीक है सेम आंसर आ जाएगा क्या फर्क पड़ता है टू का, का वैल्यू सेम आ जाएगा अगर होता भी होगा तो, तो इसीलिए हमने दो K ले के लेके चले यहां पर x का a के साथ रिलेशन में k1 और x का b के साथ रिलेशन में k2 ठीक है के k2 ठीक है तो सबसे पहले हमने लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी जहां पर a वेरी करता है x के साथ डायरेक्टली और a vary, b वेरी करता है x के साथ इनवर्सली ओके फिर हमको क्वेश्चन ने फर्स्ट कंडीशन दी जब x की वैल्यू वन थी तब y की वैल्यू इलेवन जब x की वैल्यू वन थी तब y की वैल्यू क्या है 11 है हमने इसको इक्वेशन में पुट किया y is equal to a plus b a का मतलब है k into x ये देखो और b का मतलब है k2 into 1 by x ठीक है और y y की जगह हमने लिख दिया 11 x की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और 1 तो एक इक्वेशन बना 11 is equal to k1 plus k2 अब क्वेश्चन ने एक और एक और चीज बताई कि जब x की वैल्यू 2 होगी जब एक्स की वैल्यू टू होगी तब की वैल्यू होगी जब एक्स की वैल्यू टू होगी तब की वैल्यू होगी मतलब वो हमको ये बता रहा है कि x की वैल्यू वन लोगे तो y की वैल्यू थर्टीन आएगी दो बार बता दिया ठीक है ताकि दो इक्वेशन बन सके और दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो जाए ठीक है तो अगेन मैं लिखूंगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी यू नो और वाई इज इक्वल टू ए का मतलब एक्स वेरी वन सॉरी ए वेरीज विथ एक्स डायरेक्टली और ए वेरीज विथ एक्स इनवर्सली ठीक है तो ये मैंने यहां से अगेन फिर से वही चीज ले ली ठीक है ओके okay, अब इसके बाद इस केस में क्वेश्चन ने कहा कि वाई का वैल्यू ले लो थर्टीन एक्स का वैल्यू ले लो टू ओके okay. हमने ले लिया ठीक है अब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ के के का वैल्यू हमको निकालना है तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अब मैं बोलता हूं एकदम सिंपल चीज करो क्या सिंपल चीज करो यहां से के वन या के टू दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लो दोनों में से किसी एक का वैल्यू यहां पर निकाल लो जो तुम्हारा मन जो तुम्हारा मन तो मान लो हम ले लेते हैं के वन इज इक्वल टू इलेवन माइनस के टू सिंपल इसको उठा के यहां ले गए उठा के यहां ले गए तो नेगेटिव हो गया तो के वन इज इक्वल टू इलेवन माइनस के टू हमने यहां पर ले लिया ठीक है तो ये हो जाएगा K2 K2 सॉल्व करके के टू का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा थर्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू माइनस टू के टू प्लस के टू अपॉन टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस के टू होल अपॉन टू एलसीएम ले लिया हमने सिंपल ठीक है तो ये हो जाएगा थर्टीन टू द्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू फोर्टी फोर माइनस फोर प्लस के टू तो ये हो जाएगा माइनस थ्री के टू के टू फोर्टी फोर माइनस ट्वेंटी सिक्स यार एटीन अपन थ्री तो के टू का वैल्यू बच्चों आ गया सिक्स सिक्स आ गया के टू का वैल्यू अब के टू का वैल्यू सिक्स आ गया तो के वन का वैल्यू निकाल लो यहां से सिक्स माइनस इलेवन तो ये के वन इज इक्वल टू हो जाएगा इलेवन माइनस सिक्स फाइव तो K1 और K2 दोनों का वैल्यू आ गया फटाफट से बताओ यहां तक की बात क्लियर है क्या बोलो K1 और K2 दोनों का वैल्यू आ गया यहां पर K1 का भी वैल्यू आ गया K2 का भी वैल्यू आ गया उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि बताओ Y की वैल्यू क्या होगी जब X की वैल्यू थ्री है तो हमें पता है y इज इक्वल टू होता है a प्लस बी यानी कि y a का मतलब क्या है a का मतलब है के वन इंटू एक्स और b का मतलब है के टू इंटू वन बाई एक्स बोल रहा थ्री ले लो और के वैल्यू हमको पता है फाइव इंटू बोल रहा है x की वैल्यू थ्री ले लो प्लस के टू की वैल्यू आई है सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू लेनी है थ्री तो ये कितना हो गया फाइव थ्री दिफ्टीन और थ्री टू दिक्स सेवनटीन इज द आंसर बी आंसर है बी फोर्टी हाँ, फोर लेने से आया अभिषेक अब मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करने जा रहा हूं ठीक है ध्यान से देखना ध्यान से देखना मैं करता हूं एक बार क्वेश्चन को रिपीट सबसे पहले क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन ये था क्वेश्चन ये था पहले समझ में ये ज्वाइंट वेरिएशन का क्वेश्चन है ज्वाइंट वेरिएशन का क्वेश्चन है भैया कैसे क्योंकि क्योंकि वाई ए और बी दो वेरिएबल से चेंज होने के कारण चेंज हो रहा है दो वेरिएबल्स के सम के कारण वाई चेंज हो रहा है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था समझो क्वेश्चन ये था कि वाई इज इक्वल टू है बच्चों ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू है ए प्लस बी अब क्वेश्चन ने आगे कहा कि ए वेरी करता है एक्स के साथ और बी भी वेरी करता है एक्स के साथ ओके ए वेरी करता है एक्स के साथ डायरेक्टली और बी वेरी करता है एक्स के साथ इनवर्सली ओके okay, तो बी इज इक्वल टू के इंटू वन बाई एक्स होगा यहां पर हमने दोनों के का नाम अलग अलग रखा के वन ऑट के टू क्यों क्योंकि जरूरी है क्या कि एक्स ए के साथ जो वेरिएशन इंटेंसिटी शेयर कर रहा है वही सेम इंटेंसिटी वो बी के साथ कर रहा हो नहीं अलग अलग होगा और अगर सेम भी होगा तो ठीक है फिर आंसर लास्ट में सेम आ जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी आंसर आना होगा वो सेम आ जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हम इसको अलग अलग लेके ही चलेंगे ना क्योंकि अलग अलग हो सकता है एक्स का बी के साथ एक्स का ए के साथ इंटेंसिटी ऑफ चेंज कैन बी डिफरेंट ओके तो हमने यहां पर दो के लिया इस क्वेश्चन में के वन और के टू क्वेश्चन ने हमको एक पहला पॉइंट बताया कि जब ना एक्स की वैल्यू वन थी ना तब वाई का वैल्यू इलेवन आ रहा था जब एक्स की वैल्यू वन थी तब वाई का वैल्यू इलेवन आ रहा था ठीक है तो हमें पता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी जहां ए का मतलब है जहां ए का मतलब है के वन इंटू एक्स और बी का मतलब है के टू इंटू वन बाय एक्स तो हमने यहां के वन इंटू एक्स के टू इंटू वन एक्स लिख दिया ए और बी के जगह एक्स के जगह वन लिखा वाई के जगह इलेवन लिखा तो ये हुआ इलेवन ये हुआ एक्स के जगह वन ठीक है इसको सॉल्व किए तो सिंपल इलेवन इज इक्वल टू के वन प्लस के टू आ गया जहां से हमने के वन की वैल्यू निकाल ली ताकि हम नेक्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर सके ठीक है तो के वन की वैल्यू कैसे आएगी ये प्लस के टू है इसको इधर ले जाओ ये माइनस के टू हो जाएगा तो के वन इज इक्वल टू इलेवन माइनस के टू हो जाएगा ओके okay. हाँ इसके बाद है सेकेंड टाइम उसने बताया कि जब एक्स की वैल्यू टू कर दोगे तब वाई की वैल्यू थर्टीन हो जाएगी जब एक्स की वैल्यू टू कर दोगे तब वाई की वैल्यू थर्टीन हो जाएगी ठीक है तो हमने इसको भी यूज करके एक इक्वेशन बनाया सेम चीज हमने की वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी किया ए का मतलब एक्स इंटू के वन बी का मतलब वन बाय एक्स इंटू के टू ठीक है हमने यहां पर फिर इक्वेशन में वाई के जगह थर्टीन लिख दिया और एक्स के जगह हमने यहां पर टू लिख दिया ओके okay. उसके बाद हमने इस इक्वेशन में क्योंकि दो वेरिएबल है तो एक को रिप्लेस करना है तो जो पिछला इक्वेशन था वहां से जो हमने k1 की वैल्यू निकाली थी उसको यहां पर लाके हमने पुट कर दिया k1 वन के जगह हमने लिख दिया इलेवन माइनस के टू ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ट्वेंटी टू ये इससे मल्टीप्लाई हुआ टू के टू प्लस के टू अपॉन टू ये कुछ ऐसा बना ठीक है अब उसके बाद यहां पर हमने लिया एलसीएम यहां पर कुछ नहीं है मतलब वन यहां पर कुछ नहीं मतलब वन तो एलसीएम कितना आया

माइनस थ्री के टू बन जाएगा माइनस थ्री के टू बन जाएगा ये टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ट्वेंटी सिक्स बन जाएगा इसको इधर लाओ माइनस होगा इसको इधर लाओ प्लस हो जाएगा तो थ्री के टू इज इक्वल टू फोर्टी फोर माइनस ट्वेंटी सिक्स एटीन थ्री आके डिवाइड हुआ यहां पर तो के टू का वैल्यू आ गया सिक्स ओके के वन का वैल्यू आया इलेवन माइनस सिक्स फाइव तो के वन मिल गया के टू मिल गया पहला मुद्दा वेरिएशन के क्वेश्चन में यही होता है कि के का वैल्यू निकालो K का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया फिर क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा कि बताओ वाई का वैल्यू क्या आएगा जब एक्स का वैल्यू थ्री हो जाएगा एक्स का वैल्यू वन एक्स का वैल्यू टू एक्स का वैल्यू थ्री हो जाएगा तो बताओ क्या वैल्यू आएगा तो हमने यहां पर क्या किया वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है ए का मतलब है के वन इंटू एक्स बी का मतलब है के टू इंटू वन बाय ठीक है तो ये हो गया के वन का वैल्यू फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन थ्री एक्स का वैल्यू है यहां से और के वन हमने फाइव निकाल लिया है टू हमने सिक्स निकाल लिया एक्स का वैल्यू थ्री है तो ये आ गया सेवनटीन फटाफट से बताओ क्लियर हुआ बोलो येस और नो हाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन आया था जून 2017 में अब मैं चाहूंगा एक बार आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लो फटाफट से ठीक है और जो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं ठीक है मैं बताना चाहूंगा उनको एक कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं ना देखो x की वैल्यू वन तब y की वैल्यू इलेवन x की वैल्यू टू तब y की वैल्यू थर्टीन तो x की वैल्यू थ्री तब y की वैल्यू फिफ्टीन तो ये जिन्होंने दिमाग लगाया बेटा संकट में हो तुम संकट में हो ठीक है वेलोसिटी भी चेंज होती है ना इंटेंसिटी भी ज्यादा जोर से हिट करती है मेरे को एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ तुम्हारी जो साइकिल चलाते हो तुम लोग साइकिल चलाते हो ना तो शुरू में पाइडल मारने में ज्यादा ताकत लगती है जब साइकिल स्पीड पकड़ लेती है तो पाइडल मारने में कम ताकत लगती है कि नहीं बोलो तो शुरू में ज्यादा ताकत लगाओगे पर रिजल्ट कम मिलता है शुरू में ताकत ज्यादा लगाओगे पर रिजल्ट कम मिलेगा बाद में उतनी ताकत में ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है यानी कि आंसर फिफ्टीन ना होके सेवेंटीन हो सकता है ठीक है हाँ इसका पीडीएफ फ्री आंसू ड्राइव में अपलोड होता है ऑब्वियसली होता है ना क्लास नोट तो सारे ड्राइव में अपलोड होते हैं ना तो कोई बात ही नहीं है तो जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं ना बच्चे कि मैं तो ट्रिक बनाऊंगा बेटा ट्रिक नहीं बेटा ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली यहां पर दो के हो गया ना इसलिए ठीक है बोलो क्लियर है क्या हाँ, लॉन्ग तो था पर ठीक है इट्स गुड चलो बच्चों नेक्स्ट अगर पी वेरी कर रहा एस इट इज रिटन एस बोलो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन से बताओ क्या होगा इसका आंसर से बताओ पी वेरी कर रहा है क्यू यानी पी इज इक्वल टू वेरी वेरी गुड भैया सिंपली ए आंसर है इसका ओके okay. पी वेरी कर रहा है इनवर्सली इनवर्सलीस क्यू ठीक है पी वेरी कर रहा है इनवर्सली तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं पी वेरी इनवर्सली दोनों तरीका सही है या तो बाय वर्ड बता दो या तो बाय एक्शन बता दो सॉरी या तो बाय एक्शन बता दो या तो बाय वर्ड बता दो ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर एट ये जून नाइनटीन में आया था ना क्वेश्चन अब देखो जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अटेम्प का क्वेश्चन ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है ऑलरेडी करा दिया है मैंने सॉल्व तो जो चार बच्चे देख के आए होंगे पी वेरी कर रहा है लो क्यू का अगर पी चार है तो क्यू आठ है तो बताओ वैल्यू ऑफ क्यू प्लस वन जब पी का वैल्यू सिक्स है सिंपल ऑन एट वाला क्वेश्चन बताओ ओके बी आंसर आ रहा है सबका बी आंसर आ रहा है सबका भैया हमें तो बना ही नहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं। हमें तो बना ही नहीं बच्चों पी वेरी कर रहा है ठीक है इसका आंसर मैंने वाले से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना लाइव स्ट्रीम में तो जिन्होंने देखा होगा उनको पता ही होगा पी वेरी कर रहा है डायरेक्टली क्यूब रूट ऑफ क्यू के साथ तो पी वेरी करेगा क्यूब रूट ऑफ क्यू के साथ बोलो समझ में आया p वेरी करेगा क्यूब रूट ऑफ क्यू के साथ यानी कि p इज इक्वल टू के क्यूब रूट ऑफ क्यू ओके अगर p का वैल्यू फोर है जब क्यू का वैल्यू एट है एट है तो k का वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले फोर इज इक्वल टू के इन टू क्यूब रूट ऑफ एट होता है टू तो k इज इक्वल टू हो गया फोर बाय टू इट्स टू डन तो बोल रहा है q प्लस वन का वैल्यू बताना q का वैल्यू मत बताना q जो भी आएगा उसमें वन ऐड कर देना जो भी q आएगा उसमें वन ऐड करके बताना जब p का वैल्यू सिक्स होगा ठीक है p का वैल्यू ले लो सिक्स k का वैल्यू हमने निकाला टू क्यूब रूट ऑफ q, तो क्यूब रूट ऑफ q इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू तो क्यूब रूट ऑफ q इज इक्वल टू हो गया थ्री अब सारे बच्चे बताओ क्यूब रूट ऑफ क्यू को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा फटाफट बड़ से बताओ क्यूब रूट ऑफ क्यू को उधर भेजूंगा क्यूब रूट को क्यूब रूट को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा बोलो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री का थ्री का क्यूब वेरी गुड भैया यहां क्यूब रूट है उधर जाके पावर थ्री हो जाएगा क्योंकि इधर पावर वन बाय थ्री है इधर पावर वन थ्री है उधर जाके पावर थ्री हो जाएगा ठीक है तो Q इज इक्वल टू आ गया ट्वेंटी सेवन हमसे क्वेश्चन ने पूछा था Q जो आएगा उसमें वन ऐड कर देना Q जो भी Q आएगा उसमें ऐड कर देना तो इज डन बताओ ये टफ था क्या अभी अभी आया था बच्चों रिसेंट अटेप में आया ये क्वेश्चन रिसेंट अटेम्प्ट में आया जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इज इट टफ और इज इट गुड इट्स गुड भैया इट्स गुड ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में तब मजा आता है सॉल्व करने में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ एक्स वेरी कर रहा है इनवर्सली विद वाई वाई की वैल्यू थ्री है एक्स की वैल्यू एट है तो वैल्यू ऑफ वाई बताओ जब एक्स की वैल्यू टू है तो देखो एक्स वेरी कर रहा है इनवर्सली विद वाई वाई की वैल्यू थ्री है तब एक्स की वैल्यू एट है तो के आ गया ट्वेंटी फोर एक्स की वैल्यू टू लेना है फटाफट पड़ से बताओ इज इट ट्वेल्व बच्चों इज इट ट्वेल्व नन ऑफ दीज आंसर थ्री का क्यूब कैसे बेटा ये मैं समझा चुका हूं वैसे क्यूब रूट का मतलब होता है क्यूब रूट का मतलब होता है क्यूब की पावर वन बाय थ्री क्यूब रूट का मतलब होता है क्यूब की पावर वन बाय थ्री अब किसी भी चीज की पावर अगर वन बाय थ्री है मतलब कोई भी पावर अगर फ्रैक्शन में है कोई भी पावर अगर फ्रैक्शन में है और आप उसको इक्वल्स के उस साइड भेजते हो तो वो इन्वर्स हो जाती है तो वो पावर इन्वर्स हो जाती है तो अगर आप एक्स की पावर वन बाय थ्री को अगर आप एक्स की पावर वन बाय थ्री को उधर भेजोगे वाई की पावर बनाना चाहोगे तो वो इनवर्स हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ठीक है अगर एक्स की पावर वन बाय थ्री को आप इस इक्वल्स टू के उस साइड भेजना चाहोगे तो आप भेज सकते हो पर वो पावर इन्वर्स हो जाएगी पर वो पावर क्या हो जाएगी इनवर्स हो जाएगी ठीक है चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन करूं नाइन्थ क्वेश्चन फटाफट से बताओ नाइन्थ क्वेश्चन बताओ एक सेकेंड ओके क्लियर अभिषेक थ्री क्यूब कैसे वाला क्लियर हुआ थ्री का क्यूब क्यों हुआ क्लियर हुआ क्योंकि यहां पर था क्यू की पावर वन बाय थ्री क्यूब रूट का मतलब हुआ क्यू की पावर वन बाय थ्री तो वो पावर वन बाय थ्री उधर जाके इनवर्स हो गई थ्री बाय वन यानी कि थ्री हो गई सिंपल शब्दों में ठीक है अभिषेक चलो क्वेश्चन नंबर नाइन डन है ट्वेल्थ आंसर आ गया सबका क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर ट्वेल्व आया क्या ट्वेल्व आया कुछ और आ रहा है आगे ट्वेल्व ओके क्वेश्चन नंबर टेन इफ एक्स प्लस वाई वेरी करता है एक्स माइनस वाई के साथ तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के इन एक्स माइनस है ओके तो इनमें से कौन सा ट्रू है इनमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है तो हमको एक्स और वाई के फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई से एक्स इज इक्वल टू वाई वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा क्वेश्चन को तो चलो ले आते हैं के एक्स माइनस के वाई एक तरफ कर दो एक्स और वाई वाले आइटम्स को एक्सएगा के वाई माइनस वाई माइनस के वाई माइनस वाई तो यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस के यहां पर माइनस वाई कॉमन लेंगे हम्म हाँ माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस के ठीक है तो वन प्लस के वन माइनस के तो नहीं कटेगा एक्स अपॉन फाई इज इक्वल टू एक सेकेंड ना एक्स के वाई ठीक है ये देखो ये कुछ ऐसा है ये देखो ये आ रहा है इसका सॉल्यूशन अब तुमको बताना है यही यही फाइनल आंसर आ रहा है ना अच्छा वन प्लस के कहां से आया बेटा अगर माइनस वाई कॉमन ले लू मैं अगर अच्छा समझ गए हाँ माइनस वाई कॉमन ले लू तो अंदर के प्लस वन बचेगा के प्लस वन को के वन प्लस के बोलो एक ही बात है ये बच्चों ये आ रहा है फाइनल आंसर X इज इक्वल टू वाई के फॉर्मेट में दैट इज आंसर अब वो माइनस वन प्लस के वन माइनस के इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट इसको आप कॉन्स्टेंट बोल सकते हो ना कॉन्स्टेंट आपको बताना इनमें से कौन सा सही है सोच समझ के आंसर देना सोच समझ के ए और सी में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहां पर हो रहा है जो कि हो रहा है देखो एक तो बात एकदम सही सही क्लियर है कि बी और डी तो आंसर है ही नहीं ना बी आंसर है ना डी आंसर है ए और सी में कॉन्फ्लिक्ट है सोच समझ के आंसर दो मैंने आंसर वैसे बोल दिया ऑलरेडी मैंने आंसर ऑलरेडी बोल दिया है तुम लोग अगर सुने होगे तो जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे वो तो पीछे करके सुन लेते होंगे हाँ भैया क्या बोल रहे थे ये एमटीपी जून 19 का क्वेश्चन है ना एमटीपी जून 2019 का क्वेश्चन है सोचो माइनस कांस्टेंट जो लिखा हुआ है उसके कारण वो माइनस वाई है या माइनस कांस्टेंट है बस वही तो यही एक चीज तो फिगर आउट करना है कि वो माइनस वाई है या माइनस कांस्टेंट है अगर माइनस कांस्टेंट है तो सी आंसर है अगर माइनस वाई है तो ए आंसर है सिंपल है ना इट्स 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 एज सिंपल एज दैट दो पॉइंट ऑफ बन रहे हैं। अगर तुम उसको माइनस वाई मान रहे होगी तो ये आंसर है देखो बच्चों आंसर सिंपली सी है क्योंकि तुमको भी पता है कि साइन जो है माइनस का वो कांस्टेंट के साथ में लगा होता है वेरिएबल के साथ में नहीं लगा होता ठीक है वेरिएबल या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा या तो इनवर्स होगा या तो इनवर्स होगा इट कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्टर वेदर इट इज डायरेक्ट और इनवर्स या तो डायरेक्ट वेरिएबल होगा या तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा नेगेटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप इसके बारे में हमने बात ही नहीं किया और वैसे भी डायरेक्ट का मतलब रिलेशनशिप होता है और इन्वर्स का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशनशिप एक दूसरे से उल्टा भागना नेगेटिविटी फैलाना ठीक है कॉन्स्टेंट के साथ में लगा है माइनस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कॉन्स्टेंट के साथ में होता है माइनस वेरिएबल के साथ में नेगेटिव नहीं होगा वेरिएबल के साथ में नेगेटिव नहीं होगा कॉन्स्टेंट के साथ में लगा है नेगेटिव सी आंसर होगा एक्स ये होगा आंसर ठीक है तो इसको नोट करके लिखो इसको लिखो अपने कॉपी में लिखो अभी क्या भी लिखो कि कॉन्स्टेंट के साथ में नेगेटिव लगा है यहां पर यहां पर नेगेटिव किसके साथ लगा है कॉन्स्टेंट के साथ लिखा है लिखो अपने कॉपी में तुरंत तुरंत लिखो तुरंत लिखो नहीं तो भूल जाओगे ठीक है हो गया जिन भी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है फिर से एक बार बोल रहा हूं यहाँ पर कॉन्स्टेंट के साथ में नेगेटिव लगा है इंस्टीट्यूट की भी बच्चों यही एजम्पन है आई एम फॉलोइंग द इंस्टीट्यूट मैं तुमको वही आंसर बता सकता हूँ जो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करेगी हां मनीष आप बोल रहे हो कि भैया यहां तो माइनस वाई था आपने माइनस वाई कॉमन लिया बेटा अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता मनीष अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता सिर्फ वाई कॉमन ले लेता तो ब्रैकेट के अंदर होता माइनस के माइनस वन माइनस के माइनस वन होता मैं उसको कांस्टेंट के साथ ही छोड़ देता वो तो मेरे ऊपर था ना तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है इसलिए तो कॉन्फ्लिक्ट है आंसर ए भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप ये मान रहे हो कि वेरिएबल ही नेगेटिव है आंसर सी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप ये मान रहे हो कि कॉन्स्टेंट नेगेटिव है इंस्टीट्यूट ने बच्चों सी दिया ना आंसर मतलब उन्होंने कॉन्स्टेंट को नेगेटिव माना ठीक है तो क्वेश्चन ये था प्रियांशु है एक बार रिपीट कर दो वेरी कर रहा है कॉमन X X लिया तो ब्रैकेट के अंदर बच्चा वन माइनस के यहाँ से हमने माइनस वाई कॉमन ले लिया अगर हम माइनस वाई नहीं भी लेते कॉमन सिर्फ वाई ले लो कॉमन तो यहाँ अंदर माइनस वन माइनस के बच जाता माइनस वन माइनस के बच जाता ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू हो जाता वाई इंटू माइनस वन माइनस के अपॉन वन माइनस के ठीक है ये बच जाता अब ये पूरा पोर्शन क्या है एक कॉन्स्टेंट नंबर है एक नंबर नंबर है K number है तो हमारा आंसर बन जाता है एक्स वेरी वाई ठीक है अब यहां पर वही बच्चे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम माइनस वाई लेंगे तो आंसर ये हो सकता है हाँ हो सकता है डिपेंड्स आप एजम्स क्या ले रहे हो इंस्टीट्यूट ने करेक्ट ऑप्शन सी लिखा था ठीक है ओके okay. समझ में आया प्रियांशु वेदिका अभी समझ में आया बेटा वी आर बाउंड टू फॉलो इंस्टीट्यूट ना सिंपल सी बात है अभी से तुम समझ जाओ फाउंडेशन इंटर फाइनल कुछ भी हो हमको इंस्टीट्यूट जो एजम्पन लेती है वही एजम्पन से आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे यस देयर मे बी इंस्टेंसेस जहां पर हमारा एजम्स और इंस्टीट्यूट का एजम्पन अलग अलग हो इंटर में तो बहुत ज्यादा होगा बहुत ज्यादा फाइनल में भी होगा पर वहां पर हमको वो वाली एज्पन लेके सॉल्व करना है जो इंस्टीट्यूट मानती है ना कि हमारी एजॉप्शन ठीक है ये होगा ना बहुत होगा अभी से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो चलो क्वेश्चन नंबर देखो X कर रहा है इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई वाई के स्क्वायर के साथ गिवन दैट वाई की वैल्यू टू है एक्स की वैल्यू वन है तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ जब वाई की वैल्यू सिक्स है सारे बच्चे बताओ क्या बनेगा इक्वेशन एक्स वेरी इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर ऐसे ही बनेगा क्या बताओ ना बताओ ऐसे ही बनेगा कि हमने गलत बना दिया x वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ ऐसे ही बनेगा y की वैल्यू टू तब x की वैल्यू वन टू टू जा फोर Y की वैल्यू आंसर, बोलो डन इजी, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एमटीपी दिसंबर ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन ये, देखो एक्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वेयर ऑफ वाई के की वैल्यू हमने निकाली एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू टू डाल के फोर आ गई फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाली जब वाई की वैल्यू सिक्स है बोलो आगे बढ़ू आगे बढ़ू क्या बोलो यस और नो यस और नो नो और यस यस भैया अगेन ट्वेल्थ क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और आप देख लो आजकल इंस्टीट्यूट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है आजकल इंस्टीट्यूट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है अब इसको थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ोगे बहुत ईजी है एक बार में ध्यान से देखना प्रियांशु बेटा देखो द इनकम टैक्स वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ध्यान से देखो क्या बोल रहा 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 है 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 क्या क्या बोल बोल क्वेश्चन इनकम टैक्स वेरी कर रहा है अच्छा इनकम टैक्स वेरी कर रहा है किसके साथ square of, अच्छा किसी के स्क्वायर के साथ किसके स्क्वायर के साथ एक्सेस ऑफ इनकम अच्छा एक्सेस ऑफ इनकम मतलब जितनी इनकम है उससे ज्यादा के स्क्वायर के साथ ऑफ अ मैन ओवर फाइव लैख एंड ऑन एन इनकम ऑफ सिक्स वेरी कर रहा है किसका पांच लाख से ऊपर की इनकम जितनी भी है टू सिक्स लैख उसके स्क्वायर के साथ आपका इनकम टैक्स वेरी कर रहा है सारे बच्चे बताओ पांच लाख से ऊपर की इनकम अप टू सिक्स लाख यानी कितनी इनकम की बात कर रहा है बोलो ना कितनी इनकम ,00 की बात कर रहा है फटाफट से बताओ कितनी इनकम की बात कर रहा है वन लाख की बात कर रहा है वेरी गुड वन लाख की इनकम की बात कर रहा है तो क्या बोला इनकम टैक्स वेरी कर रहा है ओके किससे वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर ऑफ

स्क्वायर से वेरी कर रहा है और कितना वेरी कर रहा है पांच हजार पांच हजार ठीक है तो ये रिलेशनशिप जिसको बनाते बन गया उसको आंसर बन गया फटाफट पड़ से बताओ एक लाख कैसे आया बेटा एक्सेस ऑफ ओव इनकम ओवर फाइव लाख मतलब पांच लाख से ज्यादा अप टू छ लाख अप टू छ लाख सिक्स लाख तक तो पांच लाख से छह लाख सौम्य दी एक लाख होता है ना पांच लाख से ज्यादा छह लाख तक यानी कि एक लाख की इनकम हुई ना सिक्स माइनस फाइव एक लाख की इनकम तो आपकी एक लाख की इनकम के स्क्वायर का जो इनकम टैक्स आ रहा है वो पांच हजार आ रहा है ओके okay. तो बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड हाउ मच अ मैन हैज टू पे अंडर दिस सिस्टम जिसका इनकम आठ लाख रुपए है तो बताओ एक बंदा जिसका इनकम आठ लाख रुपए है उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा बताओ बोलो एक जिसकी इनकम लाख है उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वेरी वेरी गुड सोचो ये ये जो जो इक्वेशन इक्वेशन सामने सामने है उसी से आ जाएगा आंसर ये सामने दिख रही है उसी से आंसर आ जाएगा सोचो थिंक अबाउट इट ओके कुछ बच्चे तो बी आंसर बता रहे हैं मैक्सिमम बच्चे बी आंसर बता रहे हैं कुछ बच्चे ए भी बोल रहे हैं बच्चों देखो इधर देखो इधर देखो बी आंसर है यस करेक्ट आंसर बी है वैसे मैंने वेरी गुड बोल दिया था तो आई थिंक यू नो द आंसर चलो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा आठ लाख की जिसकी इनकम है उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा तो बच्चों पांच लाख के ऊपर टैक्स लगता है पांच लाख के ऊपर टैक्स लगता है तो पांच लाख के ऊपर कितना टैक्स चला गया तीन लाख आठ लाख इनकम है जिसकी पांच लाख के ऊपर कितना चला गया तीन लाख तो तीन लाख का ये स्क्वायर कितना होगा ये हमको पता लगाना है हमको तीन लाख का स्क्वायर तो पता नहीं है पर हमें यह पता है कि इस तीन लाख को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू वन लाख का स्क्वायर लिख सकते हैं हां लिख सकते हैं थ्री इंटू वन लाख का स्क्वायर जो कि बेसिकली हो जाएगा थ्री का स्क्वायर जो कि बेसिकली क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ बेसिकली कितना हो जाएगा थ्री का स्क्वायर इंटू वन लैख का स्क्वायर अब वन लाख के स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है पांच हजार है लाख के स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है पांच हजार है तो हम इसके जगह लिख देंगे पांच हजार और थ्री का स्क्वायर होता है रुपए आंसर है बी आंसर है फटाफट से बताओ ये एब्सोल्युटली क्लियर हुआ क्या सारे बच्चे बताएंगे क्या ये एब्सोल्युटली क्लियर हुआ बोलो एक बार और रिपीट करो भैया एक बार और भैया मजा आ गया एक बार और रिपीट कर दो तो डबल मजा आ जाएगा ठीक है सारे बच्चे बताओ इनकम टैक्स पांच लाख के ऊपर लगता है बोलो यस और नो हाँ भैया इनकम टैक्स पांच लाख के ऊपर लगता है ठीक है एक बंदा जिसकी इनकम आठ लाख है उसकी कितनी इनकम में टैक्स लगेगा तीन लाख तीन लाख की इनकम में टैक्स लगेगा ठीक है अब हमारा टैक्स सिस्टम टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है जितनी भी एक्सेस इनकम है जितनी भी इनकम पांच लाख के ऊपर है जितनी भी इनकम पांच लाख के ऊपर है हमारे केस में आठ लाख माइनस पांच लाख हमारी इनकम तीन लाख ऊपर है उसका स्क्वायर हमारा टैक्स आता है जितनी भी एक्सेस इनकम है पांच लाख के ऊपर जितनी भी एक्सेस इनकम है पांच लाख के ऊपर उसका स्क्वायर करने से हमारा टैक्स आ जाता है ठीक है अब स्क्वायर ओरिजिनल वाला स्क्वायर नहीं है ये रिलेशनशिप बता रहा है ना ठीक है तो इस केस में तीन लाख रुपए एक्सेस है जो बंदा आठ लाख कमा रहा है उसकी इनकम पांच लाख से तीन लाख ऊपर है उसका स्क्वायर हमारा टैक्स आएगा पर वो कितना आएगा हमको पता नहीं है क्यों क्योंकि तीन लाख का स्क्वायर हमको डायरेक्टली नहीं निकालना है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है कि अगर एक लाख का स्क्वायर पांच हजार होता है तो तीन लाख का स्क्वायर कितना होगा ऐसे निकालना है ठीक ठीक है तो देखो इधर देखो तीन लाख के स्क्वायर को मैंने लिख दिया थ्री इंटू वन लाख क्योंकि मेरे पास वन लाख का स्क्वायर है इसलिए मैंने थ्री इंटू वन लाख लिख दिया थ्री इंटू वन लाख का स्क्वायर अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया और दोनों का स्क्वायर बन गया तो ये हो गया थ्री का स्क्वायर और वन लाख का स्क्वायर अब वन लाख के स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है पांच है ये देखो फर्स्ट लाइन में हमने लिख ली थी ठीक है तो मैंने वन लाख के स्क्वायर के जगह लिख दिया पांच और थ्री का स्क्वायर मैंने लिख दिया नाइन नाइन फाइव जा फोर्टी आंसर ठीक है अब अगर तुम मेरे को आज्ञा दो मैं तुमको ऑफिशियल तरीके से इसका आंसर निकालना चाहता ये तो ट्रिक था ये तो ट्रिक था मैं चाहता हूं एक बार तुम्हारे दिमाग में ऑफिशियल तरीका भी बैठाया जाए अगर तुम्हारी परमिशन हो तो ऑफिशियल तरीका भी एक बार बैठाया जाए हाँ भैया चलो देखो बच्चों पहले क्वेश्चन की गणित को समझो क्वेश्चन कह रहा है इनकम टैक्स वेरी करता है बोलो सही लिखा मैंने सही लिखा ना मैंने इनकम टैक्स वेरी करता है तो मैंने लिख दिया इनकम टैक्स वेरी एक्सेस ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सेस का मतलब होता है माइनस निकालना एक्सेस का मतलब होता है माइनस करके निकालना स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ मैन ओवर पांच लाख एक्सेस ऑफ इनकम ओवर पांच लाख ठीक है ओके मेरे को बताओ पहले ये रिलेशनशिप सबको समझ में आ गया ये है वेरिएंस चैप्टर का प्रॉपर यूसेज वेरिएंस चैप्टर का प्रॉपर यूसेज कि आपका इनकम टैक्स वेरी करता है आपका इनकम टैक्स वेरी करता है किससे वेरी करता है एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ मैन एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ मैनिक वुमेन मतलब लिखा हुआ एक्ट का नाम नहीं आता इंटर पे पढ़ा था टैक्स वेरी करता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर फाइव लैख के स्क्वायर से बोलो येस और नो यहां तक की बात क्लियर हुई क्या कि टैक्स वेरी करता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर फाइव लैक के स्क्वायर से तो ये बच्चों ये मेन मुद्दा ये है क्वेश्चन ओके okay, ये है क्वेश्चन तो मैं इसको लिखता हूं टैक्स इज इक्वल टू के इनकम माइनस पांच लाख का स्क्वायर ओके डन अब देखो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन जैसे देखो अब एक एग्जांपल लो ना जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको एक्स और वाई की वैल्यू पहले बताता है ना ताकि के की वैल्यू निकाल सको एक्स और वाई की वैल्यू बताता है ना ताकि के की वैल्यू निकाल सको तो इस क्वेश्चन ने भी बताया इस क्वेश्चन ने बताया क्या बताया देखो यहां पर इधर देखो ऑन एन इनकम ऑफ सिक्स लैख जब इनकम की वैल्यू सिक्स है जब इनकम की वैल्यू सिक्स है तब टैक्स की वैल्यू पांच हजार है ओ क्वेश्चन ने बताया कि जब इनकम जब इनकम सिक्स लैख है तब टैक्स पांच हजार है क्वेश्चन ने एक्स और वाई की वैल्यू बताई क्या बोलो ना प्यारे प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन ने आपको एक्स और वाई की वैल्यू बता दी कि जब इनकम छह लाख है तब टैक्स पांच हजार है हां तो अब इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करो और के को उत्पन्न करो के को पैदा करो यहां से ओके भैया तो टैक्स बच्चों पांच हजार इज इक्वल टू के इनकम है छह लाख माइनस पांच लाख का स्क्वायर ओके okay. तो के का वैल्यू आ जाएगा पांच हजार अपॉन 6 लाख माइनस पांच लाख हो गया एक लाख का स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ के इसको ऐसे ही पढ़े रहने दो मत सॉल्व करो मत सॉल्व करो इसको ऐसे ही पढ़े रहने दो कहा एक लाख का स्क्वायर निकाल के पांच हजार से डिवाइड कर रहे हो ऐसे ही पड़े रहने दो इसको सारे बच्चे बताओ यहां तक समझ में आया या गया यहां तक समझ में आया या गया आ गया भैया वेरी गुड अब क्वेश्चन ने क्वेश्चन ने पूछा कि टैक्स का वैल्यू बताओ जब इनकम आठ लाख हो जाएगी ओ क्वेश्चन ने अब क्या पूछा वाई का वैल्यू बताओ जब एक्स की वैल्यू एट लाख है सिंपल वाई का वैल्यू बताओ जब एक्स की वैल्यू एट लाख है चलो निकाल देते हैं हमें पता है टैक्स इज इक्वल टू के इनकम माइनस फाइव लैख का स्क्वायर है टैक्स इज इक्वल टू के का वैल्यू हमको पता है पांच हजार अपॉन वन लैख का स्क्वायर इसको हम सॉल्व नहीं किए ऐसे ही रहने दिए इनकम हो गई आठ लाख माइनस पांच लाख का स्क्वायर तो आ जाएगा पांच हजार अपॉन वन लाख का, ,00 का स्क्वायर इन थ्री लाख का स्क्वायर अब बच्चों तुम्हारी इच्छा तुम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लो जैसे करना चाहो वैसे सॉल्व कर लो अब वो तुम्हारी इच्छा ठीक है कैलसी से भी सॉल्व हो ही जाएगा आई थिंक तीन लाख इंटू इज इक्वल टू डिडेड बाई सॉरी वन लाख इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस तीन लाख इंटू इज इक्वल टू डिड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू इंटू पांच हजार हाँ आ जाएगा कैलसी से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड आंसर आ गया मैंने कैसे निकाला मैं एक बार दिखाना चाहूंगा तुम लोग को ठीक है लेट मी टर्न ऑन माई कैलकुलेटर ये देखो मेरा कैलकुलेटर देखो फटाफट से ये देखो मेरा कैलकुलेटर देखो सबसे पहले मैंने किया डिनोमिनेटर वन लाख इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर निकाला मेमोरी प्लस फिर मैंने किया न्यूमरेटर तीन लाख इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर निकाला डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू तो ये मेरे को इसका आंसर मिल गया किसका आंसर मिल गया इसका इसका आंसर मिल गया ठीक है तो ये हो जाएगा बेसिकली फाइव थाउजेंड इंटू नाइन तो फोर्टी फाइव थाउजेंड आंसर ठीक है इंटू फाइव थाउजेंड सिंपल फटाफट से बताओ समझ में आया क्या इन दोनों को सॉल्व करने से नाइन आ गया था आंसर अब बताओ ये है बच्चों ऑफिशियल तरीका वेरिएशन से सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आप वेरिएशन यूज करके ऑफिशियली ऐसे सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट था ये ये था शॉर्ट कल्ट ये था शॉर्टकट और ये था ऑफिशियल तरीका अब आपको जो पसंद आए यू में अप्लाई जो पसंद आए यू में अप्लाई कैसी फिर से बताओ सोनम बेटा डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगा मैं पहले तो डिनोमिनेटर में है 1 लाख ,00 का स्क्वायर तो 1 लाख ,00 इसको डाल दिया मेमोरी प्लस में फिर न्यूमरेटर में मैं लाख ,00 का स्क्वायर निकालूंगा तो थ्री टू ,00 मैंने निकाला फिर मैंने ठीक तो ,00 ,00 9, 9 है अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा से, तो फोर्टी फाइव थाउजेंड आंसर आ गया ओके अब इसमें भी बच्चों जिन बच्चों जो बच्चे थोड़ा सा मैथ्स वाला कॉमन सेंस लगाएंगे तुम लोग खुद सोचो

तो जिन बच्चों को वैसे दिमाग नहीं लगाना है कैलकुलेटर जिंदाबाद जिनको दिमाग नहीं लगाना कैलकुलेटर जिंदाबाद बोलो और सॉल्व करके आगे बढ़ो और जो बच्चे दिमाग से थोड़ा मैथमेटिकली कॉमन सेंस से भी करते हैं सॉल्व क्वेश्चन वो ऐसे कर सकते हैं बड़ा सिंपल बात है चलो बच्चों आगे बढ़ो आगे बढ़ो P वेरी कर रहा है इनवर्सली एस क्यू अगर P का वैल्यू टू है Q का वैल्यू थ्री है फाइंड करो P का वैल्यू अगर Q का वैल्यू टू है तो P वेरी कर रहा है इनवर्सली एस क्यू पी का वैल्यू टू है क्यू का वैल्यू थ्री है तो के का वैल्यू आ गया सिक्स तो पी का वैल्यू बताना है जब क्यू का वैल्यू हो जाएगा टू थ्री आंसर फटाफट से बताओ डन हाँ हाँ आएगा श्री बेटा ड्राइव में जाता है बेटा ये सब कुछ ये सब कुछ ड्राइव में जाता है ओके ओके okay. अब यहां पर देखो स्पीड क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के यस ट्रू आंसर बात खत्म ठीक है देन स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है टाइम के साथ स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है टाइम के साथ तो यानी कि स्पीड इज इक्वल टू के इन टू वन बाय टी और वी कैन से टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एस टी इज इक्वल टू के फटाफट से बताओ क्या यहां पर वही लिखा हुआ है सारे बच्चे बताएंगे क्या यहां पर यही लिखा हुआ है एस टी इज इक्वल टू के तो इसका आंसर है ट्रू भैया आप जीनियस हो मनीष बेटा आप भी जीनियस बन जाओगे बेटा कोई दिक्कत नहीं प्रैक्टिस मैन जीनियस ओके तो एस टी इज इक्वल टू के ट्रू है ये ओके नेक्स्ट बच्चों कॉमन सेंस जरा ध्यान से इस रेशियो को भी देखना और ऑप्शंस को देखना और कॉमन सेंस से मेरे को आंसर बता दो इसका

का मतलब हो गया पहले थ्री था अब हो गया तो ये डिक्रीज है पर ने बता दिया कि नहीं ये हो रहा है तो ने पर को उल्टा करके लिख दिया है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता का मतलब हमको पता है कि पहले टू होगा बाद में थ्री हो गया है ना तो इंस्टीट्यूट ने वर्ड से अपने इंटेंशन क्लियर कर दिया यहाँ पर और आपको कंफ्यूज करने के लिए थ्री टू दिया हुआ है जबकि कायदे से रेशियो टू टू थ्री लिखा हुआ नशीता कोई बात नहीं देन बी इंक्रीज इन द रेशियो तो बी किस रेशियो में इंक्रीज होगा ये बताओ तो हमको भी आंसर उल्टा ही देना है ना उल्टा रेशियो लिखा, लिखा है हमको भी आंसर उल्टा ही देना है ठीक है तो बी वेरी कर रहे थ्री होगा जब ए का वैल्यू यहां पर थ्री होगा रेशियो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करो तो थ्री का क्यूब हो जाएगा ट्वेंटी सेवन जब ए का वैल्यू यहां पर थ्री होगा तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू आ जाएगा ट्वेंटी सेवन और जब ए का वैल्यू टू होगा तो बी का वैल्यू यहां पर आ जाएगा एट तो आंसर है ट्वेंटी सेवन एट बी आंसर है ठीक है बच्चों बहुत सिंपल ए का वैल्यू पहले थ्री डालो फिर ए का वैल्यू टू डालो पहले ए का वैल्यू थ्री डालो फिर ए का वैल्यू टू डालो ठीक है रेशियो चैप्टर का ट्वेंटी सेवन इंस टू एट में इंक्रीज होगा डन इजी बोलो इजी यस और नो हाँ ए आंसर दिए था सबने सबने ये आंसर दिया था और ए आंसर सही है ए आंसर सही है क्यों क्योंकि पहले एट था अब ट्वेंटी सेवन हो गया हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं पर क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उल्टा आंसर दिया तो ये ट्रिक यहीं पर थी हमको भी उल्टा आंसर सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट ने उल्टा रेशियो लिखा है हम भी उल्टा रेशियो लिखेंगे हम भी उल्टा रेशियो लिखेंगे बात खत्म तो इंस्टीट्यूट ने क्योंकि उल्टा रेशियो लिया हमने भी उल्टा रेशियो लिया ओके चलो नेक्स्ट सोल्व कर लो तो वन बाय ए माइनस वन बाय बीवल टू के इंटू वन अपॉन ए माइनस बी तो यह हो जाएगा बी माइनस ए एलसीम लेंगे अपॉन ए बी इज इक्वल टू के इंटू वन अपॉन ए माइनस बी ठीक है तो वैसे आंसर किस फॉर्मेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी यहां पर मैंने माइनस कॉमन लिया ना यहां पर यहां पर मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि मैं आंसर ए बी के फॉर्मेट में ले आऊं ठीक है बी ए के फॉर्मेट में ए बी के फॉर्मेट में लाने के लिए और फिर ये उठ के यहां आएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू के इन ए बी ये उठ के ऊपर जाएगा ठीक है तो अब बताओ कौन सा आंसर यहां पर मैच हो रहा है ए की आंसर मैच हो रहा है ए की आंसर मैच हो रहा है के इसके जगह लिख दो इनवर्स और ए बी तो बस ए की आंसर मैच हो रहा है इसके आगे तो मैं दिमाग लगाऊंगा नहीं वैसे तो फॉर्मूला लग जाएगा पर इसके आगे तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा ए की आंसर तो, तो मैच हो रहा है बस इज इक्वल टू के जगह मैंने लिख दिया वेरी का साइन और ए बी है ए की आंसर तो मैच हो रहा है डी ऑब्वियसली ये देखो ए बी ए की आंसर मैच हो रहा है बोलो clear? तो इसके आगे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है तो देखो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए माइनस बी और ए माइनस बी यहां पर दो बार है हां भैया तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हां भैया यू आर राइट

प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू माइनस के इन टू ए बी ठीक है अब ये टू ए बी को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इन टू ए बी प्लस टू ए बी अब यहां पर ए बी को कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी को हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा टू माइनस के अब बेसिकली ये टू प्लस में और के माइनस में तो इसलिए मैंने टू माइनस के लिख दिया टू पहले लिख दिया के बाद में लिख दिया टू माइनस के ठीक है तो अब देखो यहां पर ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस के ए बी ये है है ना अब यहां पर देखो ये इज इक्वल टू एक यहां पर ये इज इक्वल टू और ये रहा कांस्टेंट टू माइनस के इज समथिंग कांस्टेंट टू माइनस के इज समथिंग नंबर इज समथिंग कांस्टेंट ठीक है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर इज वेरी विथ ए बी हाँ अब ये वेरी टू माइनस के हमारे केस में टू माइनस के है तो आंसर वैसे भी डी होगा बच्चों तो इसलिए मैं तुम लोग बोल रहा हूँ एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे सिर्फ ए की ऑप्शन पर मैच हो सकता है ए बी ठीक है ओके सिर्फ ए बी ही मैच हो सकता है तो इसीलिए डी आंसर है यहाँ पर ठीक है तो इस बात को तुमको समझ के चलना है बट स्टिल हमने फिर पूरा सॉल्व यहाँ पर कर लिया ओके बट डी कैन बी द आंसर डन डी इज द ओनली आंसर ओके बच्चों तो बस फिर हो गया लास्ट क्वेश्चन बच्चों इफ ए बाय बी वेरी कर रहा है ए के साथ प्लस पी प्लस बी के साथ सॉरी अगर ए बाय बी ए बाय बी कर रहा है ए प्लस बी के साथ और बी बाय ए वेरी कर रहा है ए माइनस बी के साथ देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ठीक है आपसे पूछ रहा है तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो देखो इधर देखो ए बाय विथ ए प्लस बी और बी बाय ए वेर इज विथ ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है हमको आंसर यहां पर दो चीजें दिख रही है अगर इन दोनों को कुछ करके मिला दिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा बोलो यस और नो बोलो यस और नो अगर इन दोनों को कुछ करके मिला दिया जाए अगर इन दोनों को कुछ करके मिला दिया जाए तो बनेगा फॉर्मूला भी नहीं है छोड़ो मिलाते भी नहीं एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और शॉर्टकट में जाते हैं हमसे पूछना है, का, का आंसर बताओ है ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वैल्यू ढूंढ के ले आओ बस। लेंगे ये मिल गई ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू वन बाय के ये के इधर आके डिवाइड हो जाएगा ठीक है ये हो गया ए माइनस बी की वैल्यू ढूंढो तो ए माइनस बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू वन बाय के ये के आके इधर डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू ढूंढ ली निकालना क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो करो मल्टीप्लाई ए बाय बी इनटू वन बाय के इनटू बी बाय ए इनटू वन बाय के तो ये बी और बी कैंसिल ए और ए कैंसिल आंसर आया वन अपॉन के स्क्वायर अब मुझे बताओ वन अपॉन के स्क्वायर आंसर आया व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस वन अपॉन के स्क्वायर ऑप्शन में देखो और बताओ व्हाट इज दिस वन अपॉन के स्क्वायर व्हाट इज दिस 1 अपॉन के स्क्वायर टेल मी गाइस कांस्टेंट इट्स अ के इज ठीक है तो बी आंसर है बी इज इज दिस द सिंपलेस्ट वे जिससे मैं तुमको आंसर बता सकता ठीक है सबसे आसान तरीका इसको करने का ये हो सकता है ठीक है तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमको समझ भी नहीं आएगा कैसे सॉल्व करना है तो ये सबसे आसान तरीका है ई e बुलेटिन का क्वेश्चन है मतलब कभी भी एग्जाम में आ सकता है अभी ई e बुलेटिन में रिसेंटली आया है तो कभी भी एग्जाम में आ सकता है ठीक है देखो फिर से समझो ए बी वैरी करता है ए प्लस बी के साथ और बी ए वैरी करता है ए माइनस बी के साथ ओके ए अपॉन बी इज इक्वल टू के वन प्लस बी डायरेक्टली वैरी कर रहा है बी बाय के इंटू वन माइनस बी हमको वैल्यू किसकी निकालनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो सबसे आसान तरीका जो हो सकता है एक्स्ट्रा दिमाग जिसमें ना लगाना पड़े जिसमें लेंदी ना पड़े चीजें जिसमें हमको आसानी से आंसर आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी एक काम करो यहां से ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लो और यहां से ए माइनस बी का वैल्यू निकाल दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो हमने निकाला ए प्लस बी का वैल्यू जो क्या ये हमने निकाला ए माइनस बी का वैल्यू जो क्या है ये हमने किया दोनों को मल्टीप्लाई ये देखो हमने किया इन दोनों को मल्टीप्लाई तो बी और बी कैंसिल हुआ ए और ए कैंसिल हुआ वन अपॉन के स्क्वायर आ गया आंसर और हमें पता वन अपॉन के स्क्वायर इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट नंबर तो आंसर है बी कॉन्स्टेंट डन बच्चों जी ईजी था ना ये सॉल्यूशन का तरीका बोलो यस yes भैया आगे बढ़ो अब आ जाओ वापस से नोट्स में तो देखो तीन क्वेश्चन है बच्चों बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अगर कॉस्ट प्राइस बारह रुपए है बारह किलो ऑफ राइस का है दस रुपए सॉरी अगर कॉस्ट प्राइस बारह किलो राइस का है दस रुपए सो वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन के ऑफ राइस अब ये तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ये तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसके लिए वेरिएशन की क्या जरूरत है मेरे को बताओ दस रुपए कॉस्ट है बारह किलो का तो एक किलो का कितना हुआ एक किलो का कितना हुआ बताओ भैया एक किलो का कॉस्ट हुआ पर, केजी, पर केजी. मल्टीप्लाई कर दो ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ सकता है डायरेक्टली आ सकता है ना बोलो दस रुपए है रेट बारह किलो राइस का तो एक किलो का रेट इतना आ गया तो पंद्रह किलो का कितना तो पंद्रह किलो का कितना डन इजी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग एट आवर्स अ डे इन फाइव डेज आठ घंटे पांच दिन इफ यू वर्क नाउ टेन आवर्स डेली अगर वो दस घंटे काम कर रहा है तो कितने दिन में काम खत्म होगा बताओ करा हुआ क्वेश्चन है बताओ कितने दिन में काम खत्म होगा कितने दिन में काम खत्म होगा एक मैन आठ घंटे काम कर रहा है पांच दिन तो अगर वो दस घंटे काम करे तो कितने दिन में काम खत्म होगा बराबर काम है 40 upon 10. 4 days. 4 days. Done. अब अगला क्वेश्चन फिर से देख लो टोटल एक्सपेंडिचर हॉस्टल में कॉन्स्टेंट है डायरेक्टली वेरी कर रहा है नंबर ऑफ बोर्डर्स के साथ पर हेड सौ रुपए लगेगा जब बोर्डर्स होंगे थर्टी फाइव जब बॉर्डर्स होंगे थर्टी फाइव तब कॉस्ट होगी सौ रुपए पर बॉर्डर यानी कि टोटल कॉस्ट हो जाएगी थर्टी फाइव हंड्रेड जब अस्सी रुपए हो जाएगा जब बोर्डर्स हो जाएंगे फोर्टी फाइव तो बताओ बॉर्डर डेढ़ सौ होंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा मैं निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सॉरी पर बॉर्डर टोटल कॉस्ट का डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ बोर्डर्स का डिफरेंस ओ oh, क्या ये किया किया लग रहा है सारे बच्चे बताओ क्या ये क्वेश्चन करा करा सा लागे है करा करा सा लागे है क्या ओ यस यस भैया यस वेरिएबल कॉस्ट निकल गया फिक्स कॉस्ट निकाल लो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा देखो थर्टी फाइव हंड्रेड टोटल कॉस्ट है जब बोर्डर्स कितने हैं बोर्डर्स हैं थर्टी फाइव तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थर्टी फाइव बोर्डर प्लस फिक्स कॉस्ट वेरियबल कॉस्ट हमने निकाल रही है दस रुपए दस रुपए फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है थर्टी फाइव हंड्रेड माइनस साढ़े तीन सौ फिक्स कॉस्ट आ गई थ्री वन फाइव जीरो क्वेश्चन आपसे पूछा अगर डेढ़ सौ बोर्डर हो जाएंगे तो कॉस्ट कितनी होगी वेरी वेरी सिंपल टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डेढ़ सौ बोर्डर इंटू वेरियबल कॉस्ट दस रुपए पर बॉर्डर प्लस फिक्स कॉस्ट आ फोर सिक्स फाइव जीरो फोर सिक्स फाइव जीरो डन डन अब देखो यह क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने मैंने जानबूझ के डाला है इंस्टीट्यूट वाला सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को अब सेम क्वेश्चन को वेरिएशन से सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन को अब इंस्टीट्यूट ने वेरिएशन से सॉल्व किया है प्रोपोर्शन के चैप्टर में प्रोपोर्शन से सॉल्व किया था पर हम ना प्रोपोर्शन यूज करेंगे ना वेरिएशन यूज करेंगे हम यूज करेंगे दिमाग कौन सा दिमाग कॉस्ट अकाउंटिंग वाला दिमाग

कॉस्ट हमें हाँ नहीं पता टोटल कॉस्ट कॉस्ट है 3500, जब 35 थे, जब थे, थे तब टोटल नहीं वही तो निकाल रहे हैं। निकाल लेंगे फिक्स कॉस्ट और फिर डेढ़ सौ बोर्डर की टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे सारे बच्चे बताओ वेरिएशन चैप्टर डन डनाडन से बताओ वेरिएशन चैप्टर डन डनाडन यस और नो यस भैया यस अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं एलडीआर मार्क करा देता हूं जो तुमको प्रैक्टिस करने हैं जरूरी नहीं है एग्जाम में वही क्वेश्चन आए पर अगर उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करते हैं, बनना चाहिए ठीक है ओके भैया क्वेश्चन नंबर सिक्स को एल डी आर मार्क करो और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर एट को एल डी आर मार्क कर लो अभी अभी के अटेम्प्ट में आया था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हुआ था इसलिए एलडीआर मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एलडीआर मार्क कर लो इसका मैंने ऑफिशियल तरीका और शॉर्टकट दोनों बताया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एलडीआर क्योंकि इसमें ए और बी में कंफ्यूजन हुई थी बस और सिक्सटीन और सेवनटीन को भी आइडिया मार्क करो क्योंकि ई बुलेटिन में आया है तो अब एग्जाम में कभी भी टपक सकता है ठीक है बच्चों डन सिक्सटीन वाले क्वेश्चन में बेटा सौम्यदीप हमने सॉल्यूशन को यहां पर इसलिए रोक दिया क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है ए बी ए बी जो आ रहा है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैच कर रहा है देखो पहला पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्र यह आ ही नहीं सकता दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकता तीसरा ऑप्शन है A by B, ये भी नहीं आ सकता तो जब चार ही ऑप्शन है है और आंसर में नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो अब जब राइट हैंड साइड मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैच कर रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी तो आई ऑप्ट फॉर ऑप्शन नंबर डी और मैंने सॉल्यूशन को वहीं पर रोक दिया क्योंकि मेरे को आंसर दिख गया ठीक है सौम्य दीप इन क्वेश्चन नंबर मेरे को राइट हैंड साइड का सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच होता हुआ दिखा इसलिए मैंने अपने सॉल्यूशन को यहीं पे रोक दिया एल माइनस में है माइनस हम कांस्टेंट के साथ डाल देंगे अभी तो हमने देखा ना इस वाले क्वेश्चन में आ, कहा गया ये वाला क्वेश्चन माइनस था हमने उसको कॉन्स्टेंट के साथ ले लिया था माइनस को हमने कॉन्स्टेंट के साथ ले लिया था तो यहां पर भी जो माइनस आएगा माइनस का जो ये साइन आएगा ये वाला साइन इसको हम कांस्टेंट के साथ मान लेंगे राइट तो माइनस हमको इफेक्ट नहीं करेगा ठीक है तारुषी बेटा टू सब्जेक्ट एट अ टाइम बेस्ट स्ट्रेटजी है ना बेस्ट बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है टू सब्जेक्ट एट अ टाइम रेगुलर रिविजन अभिषेक पूछ रहा है सम नंबर सेवनटीन में क्या ए बाय बायू वन बाय के हाँ हाँ ए बाय बायू वन बाय के यस कैसे आया ओ ये बेटा के नीचे नहीं जाएगा ए प्लस बी निकालना है तो अभिषेक ध्यान से देखो ये के यहाँ नीचे आएगा तो वन बाय के नहीं हो जाएगा डिवाइड में अभिषेक हाँ वेदिका इंस्टीट्यूट ने हमेशा कांस्टेंट के साथ ही माना है नेगेटिव को अभिषेक डब्ल्यू के बेटा नीचे आएगा ना ओके okay. ओके, okay. चलो हो गया डन है आप सबको सो वी आर डन विद चैप्टर वेरिएशन हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन ये रहा कल की क्लास में भी किया हुआ ये चलो बच्चों तो बस आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में विद अ न्यू चैप्टर तब तक गॉड ब्लेस यू टेक केयर एंड बाय बाय